ENS 184, BAG सेकेंड ईयर, और अदर्स जो स्टूडेंट रहेंगे ओनर्स के, उनके पास भी ये सब्जेक्ट होगा BNS का, ठीक है, 184 का हो सकता है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, ठीक है। इसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके 9 चैप्टर हैं, ठीक है, और इसमें लगभग शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा इस बुक को देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए। देखिए, इसमें जो पहला ब्लॉक है उसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। जो सेकंड ब्लॉक है इसमें 3 चैप्टर हैं, ठीक है, और जो थर्ड ब्लॉक है उसमें भी 3 ही चैप्टर हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? टोटल 10 चैप्टर हैं इस आपकी बुक में, पूरी बुक में, ठीक है। अगर हम लोग देखें सबसे पहले पहला जो चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर क्या है? महामारी विज्ञान, ठीक है। महामारी विज्ञान में सबसे पहले दे रखा है कि महामारी विज्ञान का इतिहास क्या है। देखो, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली एग्ज़ाम में आता नहीं, क्योंकि उसमें महामारी विज्ञान में मोस्टली ये बता रखा कि जो महामारी विज्ञान है, यानी जो जब से बीमारियों के बारे में शुरुआत हुई, जब से खोज हुई है, उससे लेकर के आज तक कितना महामारी विज्ञान में क्या क्या हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल में बता रखा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो देखा अध्ययन के अवलोकन के प्रकार, जैसे अवलोकन संबंधी अध्ययन में जैसे वर्णात्मक अध्ययन क्या होता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या होता है, प्रायोगिक अध्ययन क्या होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे गैर या आच्छेदिक अध्ययन क्या होता है, यानी जो हम परीक्षण बोलते हैं, और जोखिम का आकलन करना, ये पहले चैप्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। खासतौर से देखो, यहाँ मैंने बोला था ना 1.1 में क्या है, महामारी विज्ञान का इतिहास। देखिए, महामारी विज्ञान का इतिहास वर्तमान से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है, यानी बहुत पुराना। एक महामारी विज्ञान का इतिहास कब से शुरू हुआ है? 400 ईसा पूर्व तक। एक यूनानी चिकित्सक जो था, उसने रोगों पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है, शब्द महामारी और स्थानिक को परिभाषित किया है। उसके बाद से कह सकते हैं कि 400 ईसा पूर्व से लेकर के लगातार अगर हम देखेंगे जो महामारी विज्ञान है, इस पर अलग अलग समय पर काम होता रहा है और चीज़ों पर अलग अलग दवाइयों की खोज और तमाम चीज़ें होती रहीं। पूरे आप हिस्ट्री में उठा लेंगे, आपको बारे में पूरे इसमें यही बताया गया है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो ख़ास तौर से ये 2019 तक महामारी विज्ञान में क्या क्या खोज हुई है, सारा वही पूरी डिटेल में बता रखा है विस्तार से, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते हो ना, तो आपको सब तो पूरा तो कोई याद नहीं रख सकता है, तो आप दो थोड़े बहुत ज़रूर याद कर लो। अगर मान लो आ ही गया महामारी विज्ञान का इतिहास क्या है, ठीक है, वैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन जब 10 नंबर का पूछा जाता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत पेज तो ज़्यादा लिखना नहीं, मिनिमम 2 या 3 पेज लिखना है। तो मान लो 2 या 3 पेज के बारे में इतना लिख सके, अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया तो हो जाए। वैसे इसमें इम्पोर्टेंट है ये है अध्ययन के प्रकार। अध्ययन में कैसे अवलोकन संबंधी अध्ययन क्या होता है? देखो, अवलोकन अध्ययन में क्या होता है? बीमारी या मौत की आवृत्ति, समय, वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, कहने की अगर किसी कोई बीमारी होती है, जब हम उसका क्या करते हैं? अवलोकन करने, यानी अनुमान लगाया जाता है भाई बीमारी की मौत की कारण क्या है, उसका समय क्या था, वर्ष क्या था, महीना क्या था, दिन और घंटे, मौसम क्या थे। यानी जब हम देसी है, शहरी है, ग्रामीण अस्पताल है, इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसको क्या? अवलोकन। जैसे कोई बीमारी है, तो कोई भी बीमारी होगी, जैसे मान लो उस रोग के बारे में क्या होता है? उसका पूरा अवलोकन किया जाता है, ठीक है। पूरे कब से शुरू हुई, कब से ख़त्म हुई, कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, किसको हुई थी, कब हुई थी, कितना दिन हो गया है, या कौन कौन से व्यक्ति उससे प्रभावित हुए थे, उसके बारे में क्या किया जाता है? पूरा अवलोकन बताया जाता है, ठीक है। हेलो, क्या करें, बोलिए। संबंधी अध्ययन का मतलब क्या होता है? कि जब हम किसी बीमारी के बारे में पूरा अवलोकन करते हैं, यानी उसकी पूरी जानकारी लिखते हैं, किसको की, क्या आयु थी, क्या लिंग था, क्या शिक्षा थी, व्यवसाय था, सभी चीज़ के बारे में, क्या धर्म था, किसको हुआ था। देखो, जो बीमारी का अध्ययन किया जाता है, किसी भी महामारी का, किस प्रकार से, एक तो वर्णात्मक है और दूसरा क्या था? विशेषणात्मक है। यानी जब उसका पूरा वर्णन किया जाता है, पूरे डिटेल लिखी जाती है, किसकी हुई, कब हुई, कैसे हुई, वो किया जाता है। विश्लेषणात्मक का मतलब जब उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे वर्णात्मक अध्ययन में कौन कौन सा अध्ययन होता है। जैसे केस रिपोर्ट, पूछ सकता है केस रिपोर्ट कहते हैं। देखो, रिपोर्ट के मामले में
अभ्यास के दौरान जैसे लक्षण संकेत विशेषज्ञताओं के बारे में, देखो केस रिपोर्ट का मतलब होता कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बीमारी हुई है, ठीक है, उस पर जो पूरी रिपोर्ट होती है उसको हम कहते हैं केस रिपोर्ट। जैसे मान लो किसी को एक बीमारी हुई, तो किसको बीमारी हुई थी, कब हुई थी, क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या लक्षण थे। जैसे मान लो कोई बीमारी हो तो उसमें लक्षण दिखाई देते हैं ना, बोलते नहीं भाई लक्षण है, तो क्या लक्षण था, उसका संकेत क्या था, उसमें कौन विशेषज्ञ था, अगर उसमें व्यक्ति की मृत्यु हुई तो व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए गुर्दे में विफलता वाले रोगियों को अलग प्रकार चीज़ें। तो केस रिपोर्ट का मतलब ये होता कि जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई है, ठीक है, और उस बीमारी के बारे में पूरी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बीमारी हुई, ठीक है, बीमारी 2-3 महीने तक चली, फिर व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पर उस क्या उस पर क्या जाएगी, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसको कब बीमारी हुई, कैसे बीमारी हुई, क्या क्या लक्षण थे, या क्या क्या प्रभाव उस पर पड़ा शरीर पर, जब उसकी मृत्यु हुई उसका रीजन क्या था, उसके कारण था, उसके यानी उसको पूरी क्या करती है, एक प्रकार से रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केस रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है प्रकरण श्रृंखला, यानी केस सीरीज क्या होती है। देखो जब नए दैनिक स्थितियाँ, नए मामलों में और सामान्य विशेषताओं में मृत्यु लक्षण और एकल चिकित्सा के समूह को संकलित किए जाते हैं तो उन्हें केस सीरीज कहा जाता है। देखो कह रहे हैं कि अगर हम लोग डेली के जो नए मामले आते हैं उन पर जो विशेषज्ञ हैं, मृत्यु है, लक्षण है, चिकित्सा है, जब इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, संकलित करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, केस सीरीज। केस सीरीज का मतलब होता कि जैसे मान लो कोई एक बीमारी है, ठीक है, उस बीमारी में हर व्यक्ति के बारे में जब जांच की जाती है, हर व्यक्ति को भाई जो बीमारी फैली है, जैसे अगर हम लोग कोरोना को देखें तो कोरोना में क्या है, केस सीरीज क्या होगी, लगातार जो जांच हो रही है भाई, लगातार लोगों को बीमारी हो रही है तो लगातार जो उसमें टेस्ट किए जा रहे हैं, या लगातार लोगों की मृत्यु भी हो रही है उसमें, जैसे कोई बड़ी बीमारी फैल गई, या क्या क्या लक्षण उसमें दिख रहे हैं भाई, हर व्यक्ति में ना कोई बीमारी होती तो अलग अलग लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। कोरोना में देखो ना, कोरोना में लोगों के लक्षण बदल रहे थे ना भाई, शुरू में बताया कि लक्षण बुखार आएगा, फिर बाद में कहा नहीं बुखार नहीं आएगा, गले में खराश हो जाएगा, क्या है लक्षण है नहीं इस। और केस सीरीज का मतलब होता कि डेली जो मरीज आ रहे हैं, डेली जो बीमार लोग बीमार हो रहे हैं, उनका डेली रिपोर्ट जब तैयार की जाती है, क्या करें, रिपोर्ट का मतलब क्या होता कि किसी एक व्यक्ति की बीमारी हुई उसके बारे में पूरी जो रिपोर्ट बनी, और केस सीरीज का मतलब क्या होता कि डेली जो केस आ रहे हैं, जैसे डेली जो बीमारी के जो रिपोर्ट हो रही है, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनके बारे में क्या करते हैं, लगातार जब सीरीज चलती है कि भाई एक महीना हो या एक साल के अंदर में कितने मरीज उस बीमारी से ग्रसित हुए हैं और उस बीमारी का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भाई सीरीज देखो जब हम सीरीज बनाएंगे, सीरीज का मतलब होता है डेली डे टू डे जितने लोग उस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, या डे टू डे जितने लोग उस बीमारी के शिकार हुए हैं उन सभी पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी जितने लोग लगातार पड़ रहे हैं, लगातार जितने डेली जो केस आ रहे हैं, केस सीरीज उसको बोला जाता है। लगातार जब हम उस किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता, सीरीज मतलब लगातार जब अध्ययन किया जाता है, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने जो सीरीज किया जाए, और उस बीमारी से किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि जितने लोग बीमार हुए सबकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, केस सीरीज कहा जाता है, ठीक है। मूलतः केस सीरीज यही होती है, और इसमें कह सकते हैं कि उनका उन पर मामले अलग अलग लोगों की मौत होती तो भाई अलग अलग कारण हो जाते हैं, या आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, या इस सारी चीज़ों को क्या किए, एक सीरीज बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं केस सीरीज, किसी बीमारी का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन भी कहता है, एक तो परिस्थिति अध्ययन। देखो मान लो कि अगर कोई बीमारी किसी को होती है ना, तो कई बार परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर गया था जहाँ पर उसको बीमारी हुई है, स्कूल था, फैक्ट्री थी, मकान था, घर था, कहाँ पर था। परिस्थिति अध्ययन का मतलब होता कि जब किसी व्यक्ति को कोई महामारी होती है तो उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, कहाँ पर था, कैसे था, वो परिस्थिति जब अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति अध्ययन किया जाता है, ठीक है, परिस्थिति का अध्ययन। अगला है प्रकरण नियंत्रण। प्रकरण नियंत्रण का मतलब होता कि ये अध्ययन बीमारी के हेतु विज्ञान की जांच करता है, यानी दुर्लभ लंबी बीमारियों के अध्ययन के लिए किया गया, जो प्रकरण यानी जो लंबी दुर्लभ बीमारियां होती इनमें काम किया, सब्जेक्ट की कम संख्या की आवश्यकता
प्रथम करने में आसान होता है। सब्जेक्ट के लिए न्यूनतम जोखिम सहित एक ही समय के जोखिम का अध्ययन किया। देखो प्रकरण नियंत्रण का मतलब होता है कि जब बीमारी ना बहुत कम लोगों में लक्षण दिखाई दे, यानी बहुत ही कम लोग उससे इन्फेक्टेड हैं, ये बीमारी बहुत ही कम लोगों में लग रही, लेकिन क्या है उनकी संख्या कम है, जब उसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं प्रकरण अध्ययन। ठीक है, प्रकरण अध्ययन जो बहुत ही कम लोगों में बीमारी हो रही है उसके जब उसका विश्लेषण किया जाता है, या कम से कम लोग होते हैं जैसे उन्हें किस प्रकार से उसमें जो अनुभव है उसको किया जाता है प्रकरण अध्ययन। यानी कौन कौन से अलग अलग जो किसी एक मामले पर खास तौर से कोई बीमारी आ गई बीच में जैसे आ जाती है, ठीक है, वो शुरू में तो भाई सबको तो होती नहीं है, प्रकरण अध्ययन उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है सकल अनुभागीय अध्ययन। सकल अनुभागीय अध्ययन को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये क्या होती सकल अनुभागीय का मतलब होता कि अनावृत्ति और परिणाम बीमारी दोनों की एक ही समय में जांच की जाती है, यानी जोखिम को भी और बीमारी को। जोखिम का मतलब समझते हैं कि उस बीमारी होने से किस किस प्रकार की समस्या थी, क्या क्या जोखिम उठाना पड़ता है, और जोखिम का और बीमारी का जब दोनों को अध्ययन किया जाता है, क्या कह रहे हो, जब बीमारी का और उससे क्या जोखिम क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या उस दोनों का जब अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं सकल अनुभागीय अध्ययन, बीमारी का जब अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है कोहार्ट अध्ययन। इस अध्ययन को घटना और अनुदैत्य अध्ययन कहा जाता है। कोहार्ट का मतलब होता है कि आबादी का एक समूह। देखो जब किसी आबादी के एक समूह में अगर कोई बीमारी होती है उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे अगर जैसे जन्म तिथि, विवाह की तिथि, दशक है, व्यवसाय है, डॉक्टर, नहीं कह सकते कि जब आबादी के किसी एक समूह को लेकर के किसी पूरे समूह के बारे में जब अध्ययन किया जाता है कि उस समूह में वो बीमारी है कैसे फैली है, यानी जब एक समूह का जब अध्ययन किया जाए उसको बोलते हैं कोहार्ट अध्ययन। आबादी का मतलब समझते, एक निश्चित जनसंख्या में, एक निश्चित पॉपुलेशन में जो बीमारी है उसका जब अध्ययन किया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, कोहार्ट अध्ययन। ठीक है, प्रायोगिक अध्ययन। प्रायोगिक का मतलब जब हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करके जब अध्ययन किया जाता है किसी बीमारी का, जैसे रोगों के सिद्धांतों की खोज करना, हस्तक्षेप करना, सेवाओं का प्रभाव करना, उनका मूल्यांकन करना, उसी को बोलते हैं प्रायोगिक अध्ययन। प्रायोगिक नहीं, जब हम लोग टेस्ट करते हैं, प्रयोग करके जब किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं किसी बीमारी का, वो प्रायोगिक अध्ययन होता है। और प्रायोगिक अध्ययन दो प्रकार का होता है, एक होता है याच्छाद्रिक अध्ययन। ठीक है, याच्छाद्रिक होता है कि जैसे उसमें दवाई, नए उपचार, उपकरण, इन सभी की प्रभावशीलता को देखा जाता है, जैसे दवाई है, उपकरण है, इन सभी चीज़ों का जब अध्ययन करते हैं इसको बोलते हैं याच्छाद्रिक अध्ययन बोला जाता है, जैसे कि किसी बीमारी को अध्ययन किया जाता है। खास तौर से कह सकती कि जैसे याच्छाद्रिक अध्ययन में होता कि अगर मैं बोलूँगा एक प्रकार से जो दवाई है, जो उपचार है, जो उपकरण है, इनको लेकर के जब अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जब इसमें कंप्यूटर की या अन्य चीज़ों का यूज किया जाता है जो बीमारी फैल रही है, क्या है जैसे जाँच करने में, जाँच क्या जो पूरी हो रही है, याच्छाद्रिक अध्ययन। उसके बाद है क्षेत्र परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षणों को फील्ड यानी सामान्य आबादी में आयोजित किया जाता है। इसमें अगर क्षेत्र परीक्षण का अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें स्वास्थ्य विषय और समूह शामिल होते हैं। इस अध्ययन में डिजाइन में कई परिणामों में हस्तक्षेप के प्रभाव को देखा जाता है। तो क्षेत्र परीक्षण का मतलब यानी किसी खास क्षेत्र में जो बीमारी फैली हुई है जब उस वहाँ पर जाकर के किसी क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, क्षेत्र अध्ययन। जब मान लो कोई बीमारी है किसी एक क्षेत्र के लोगों के बारे में जब उस बीमारी की जांच की जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र अध्ययन। ठीक है, यानी फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमारी का अध्ययन करने के लिए फील्ड पर जाए, यानी कह सकते हैं कि डायरेक्ट बीमारी, जैसे मान लो कि जैसे आप लोग हम लोग मूलतः जब बीमारी का अध्ययन करते हैं तो हम लैब में कर रहे हैं, लेबोरेटरी में कर रहे हैं, यानी हम लोगों वहाँ पर जो बीमारी है उसके रुगाणु कीटाणु जो उसको पकड़ के ले आए हैं और यानी जो हमारी लेबोरेटरी वहाँ लैब करें। फील्ड अध्ययन का मतलब होता है कि आप लैब में अध्ययन नहीं करें किसी बीमारी के बारे में, बल्कि आप डायरेक्ट फील्ड में गए हैं, जैसे किसी गांव में गए हैं, किसी शहर में गए हैं, किसी बस्ती में गए हैं, किसी के घर गए हैं, एक और फील्ड अध्ययन होता है भाई। जब बीमारी का अध्ययन कहाँ पर करते हैं, जब डायरेक्ट फील्ड में जाते हैं। एक दूसरा होता है लेबोरेटरी में की जा रहा अध्ययन, क्या किसी बीमारी का लक्षण क्या है, परिणाम क्या है, उसकी रोकथाम क्या है, कौन सी दवाई बनेगी, इसको हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फील्ड में उतर करके किसी बीमारी की जांच की जा रही है कि बीमारी क्यों फैल रही, कैसे फैल रही है, उसका क्या प्रभाव है, क्या लक्षण है। फील्ड अध्ययन में यानी डायरेक्ट आप जाकर कहाँ जाते हैं, फील्ड में उतर जाते हैं। फील्ड का मतलब समझते हो,
जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पर बीमारी फैली हुई है उस इलाके में जाना, उस शहर में जाना, उस बस्ती में जाना, उस कॉलोनी जो कहाँ भी हो वो जो स्थान है उस स्थान पे जाकर के जब अध्ययन करते हैं तो क्या है, क्षेत्र परीक्षण अध्ययन यानी फील्ड ट्रायल होता है। यानी जब हम हमारा जो पूरा रिसर्च है, ये जो हमारी हम जो स्टडी कर रहे हैं या परीक्षण कर रहे हैं, जब हम डायरेक्ट फील्ड पर जाकर यानी कर रहे हैं, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है भाई? सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब यानी जो हमारी पब्लिक हेल्थ होती है, सार्वजनिक का मतलब एक प्रकार से सार्वजनिक का मतलब था कि जब हम खुला स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की, यानी किसी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करें, सार्वजनिक यानी सबके स्वास्थ्य के बारे में जब बात की जाती है उसको क्या होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य बोला जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य होता क्या है। ठीक है, ठीक है, क्या करें, मनुष्य के पास स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के साथ साथ समूह और व्यक्तियों के रूप में बीमारी को रोकने के लिए साधन खोजन करने के लिए एक लंबा इतिहास। कह रहे हैं कि जब मनुष्य में किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है या जो मनुष्य है वह स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है, इसको जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, मानव का जो समूह है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, जब मानव की समूह की क्या करते हैं, खोज करते हैं, इसका लंबा इतिहास रहा है। प्रारंभ में स्वास्थ्य को एक दैवीय उत्तरदायित्व के और बीमारी के रूप में अलौकिक घटना माना जाता है। कह रहे हैं कि शुरू में जब आदमी बीमार होता था ना तो कहते थे भैया ये तो भगवान नाराज हो गए हैं, देवी जी नाराज हो गई, इसलिए आदमी बीमार पड़ गया है। नहीं, पहले जब किसी को बीमारी फैलती थी, कोई आदमी बीमार पड़ता था तो माना जाता था भगवान रूठ गए हैं, देवी रूठ गई हैं, देवता रूठ गए हैं, इसलिए फलाना आदमी बीमार पड़ गया है, ये माना जाता था। यानी एक दैवीय घटना मानी जाती थी, अलौकिक यानी चमत्कार भाई हो गया ऐसे कुछ। जीवन की आदतों और पर्यावरणीय कारकों को बदल दिया है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के मूल प्रयास में परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से करते हैं। यानी पहले जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था तो माना जाता था कि भाई जो बीमार है ये तो देवता दुखी हो गए हैं, नाराज है, गॉड यानी जो भगवान है वो नाराज हो गया इसलिए उसको बीमार कर दिया है, इसको माना जाता था। ऐसा कहा जाता कि समुदाय जीवन के विकास के साथ साथ प्रयास और हस्तक्षेप अधिक से अधिक हो गए हैं। संचारी रोग का नियंत्रण, चिकित्सा देखभाल, पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता सुविधाएं, ये सभी संगठित प्रयास हैं। करें कि आज के समय में जो बीमारी है उसको जब हम पढ़ाई करते हैं या स्टडी की जाती है तो क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में हो रही है, यानी क्या पब्लिक हेल्थ हम जिसकी बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ क्या है, यानी पूरे जो समाज है या जो पूरी जो सोसाइटी है उसकी उसकी जो रोकथाम की हम बात करते हैं उसमें जो बीमारी हो रही है उसको क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य बोला जाता है। क्या है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखा ना भाई, जो गाँव वाँव में जो शहर वहर में जो अस्पताल खुले हैं क्या है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर ही तो हैं। क्या है पब्लिक, यानी आम लोग जो हैं, सामान्य लोग हैं, बल्कि किसी एक इंसान का इलाज नहीं हो रहा, क्या बड़ी संख्या में क्या हो रहा, लोगों का जब इलाज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ बोली जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्र राज्य के शहरीकरण और गठन ने भी इनका इसके हस्तक्षेप को प्रभावित किया है। आज हम जानते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार के लिए बुनियादी आवश्यकता, जैसे यानी स्वास्थ्य में सुधार करना तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमारा जो खान पान अच्छा करना पड़ेगा, जो हमारा आश्रय जो घर है वो भी ठीक करना पड़ेगा, हमारी जो आय है, शिक्षा है, शांति है, ये सभी बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य स्वस्थ रहे इसके लिए क्या निर्भर करता है, उसका खान पान, उसका उठना बैठना, उसका रहना सहना, उसका घर, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी कितनी इनकम है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक जो स्वस्थ मनुष्य है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको क्या करती है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, न्याय और वर्तमान में सिद्धांत के साथ अस्थायी संसाधनों की सुरक्षित नहीं किया सकता, वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य को अनुशासन निस्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए इन सभी पहलुओं पर एक एक करें कि अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं भैया, स्वास्थ्य को पा सकते हैं। क्या है स्वास्थ्य को पाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या रहें, स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें बीमारियों से मुक्त रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या स्वस्थ रहें, खुश रहें, बीमारी उनको ना लगे, ये होता सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य यही है भाई। सरकारों ने जो अस्पताल खोल रखा है, बड़े बड़े अस्पताल बनवा रखे हैं, गांव गांव में अस्पताल बना, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि लोग बीमारियों से रोगों से मुक्त रहें, ठीक है, खुश रहें, उनको बीमारी रोग ना लगे, इसको बताते हैं। अगला देखें सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है। देखिएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य शब्द दो अलग अलग शब्दों से बना, सार्वजनिक और स्वास्थ्य। यहाँ पर सार्वजनिक का मतलब पब्लिक यानी जिसका मतलब समुदाय, ठीक है, जैसे नागरिक हो सकता है या खुला हो सकता है। सार्वजनिक शब्द को कुछ निजी नहीं हो, यानी सार्वजनिक मतलब निजी नहीं है कह सकते हैं। अगर हम
स्वास्थ्य को देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इस स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। स्वास्थ्य एक बहुआयामी अवधारणा है। स्वास्थ्य में कई चीज़ें होती हैं। इसमें जैसे कि कोई व्यक्ति बीमारी से मुक्त है या उसमें बीमारी की जो संभावना हवा कम से कम है। स्वास्थ्य का मतलब यानी कोई व्यक्ति जब उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है वो क्या है, उसको हम कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति ना। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य बताता है कि हमारी जो बड़ा समूह है, जो बड़ी आबादी हो, क्या रहे, स्वस्थ रहे, उसकी हम बात करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी जो बड़ी आबादी जो उसको स्वस्थ की बात करते हैं। देखो स्वास्थ्य की अलग अलग तरीकों से अवधारणा दी जाती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि स्वास्थ्य और बीमारी हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर व्यवहार पड़ता है। कह रहे हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है ना, जब हम लोग बीमार होते हैं ना, तो इसका प्रभाव हमारे विचारों पर भी पड़ता है, हमारी सोच पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके जो सोचने समझने की क्षमता है, जो हर एक बात पर उसको जो सोचता है, उस पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारे सामान्य जीवन में हम अवधारणाएँ यानी जैसे त्रय है का उपयोग करते हैं, जिसे हमारे रोग है, रोगाणु है, ये सभी क्या है, हमारे स्वास्थ्य को क्या प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब यही यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखेंगे तो एक प्रकार से बताया जा रहा कि जो सार्वजनिक यानी सामान्य खुला सभी लोगों की हम बात कर रहे हैं, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं स्वस्थ रहें, स्वस्थ के आधार पर वो क्या, उनमें किसी प्रकार की बीमारी ना रहे तथा उनका खान पान अच्छा हो, अच्छा खाएं, अच्छा रहें और खुश रहें। सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है, लोगों को किसी बीमारी से मुक्त रखना, किसी प्रकार की बीमारी ना हो लोगों में, इसको बोलते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य ही है भाई, कोई व्यक्ति बीमार ना हो, कोई व्यक्ति हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ठीक है, तंदुरुस्त रहे, इसकी बात करता है सार्वजनिक स्वास्थ्य। आगे देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना, देखिएगा इस अनुभाग में हम सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करके समझेंगे। हालांकि कई लोगों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब क्या था, देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन वो क्या कहता है, बीमारी को रोकने के लिए सभी जो प्रयास किए जाएं, चाहे सार्वजनिक हो निजी हो, ये स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। कह रहे हैं कि अगर हम बीमारी को रोकने के लिए कोई प्रयास करते हैं, ये क्या है, एक प्रकार किसको बोलेंगे, स्वास्थ्य को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, समग्र रूप से आबादी के बीच में जीवन को बढ़ाना, यानी जो लोग हैं उनके बीच में जो जीवन जीने जो उनका जीवन है, डेट उनका जो लाइफ है, उनके लाइफ को अगर हम लॉन्ग लाइफ में बदल रहे हैं, क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य भाई। ठीक है, अगला क्या करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य है। यानी जब हम स्वास्थ्य को और लोगों की भलाई कल्याण, भाई स्वास्थ्य क्यों है, लोग जब स्वस्थ रहेंगे क्यों, क्या लोगों का कल्याण होगा, लोगों का भला होगा। ठीक है, क्या स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, रक्षा करने, विज्ञान और समाज को संगठित के प्रयास को माध्यम से हम जीवन के विस्तार देने की कला है के रूप में परिणत। नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या बताता है कि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें तथा अच्छा भोजन करें और उनकी जो लाइफ है लॉन्ग लाइफ हो, लंबे समय तक वो जीवित रहें, लोग लंबे समय तक जिए। आगे देखिएगा क्या करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य को हम कह सकते हैं कि बीमारी को रोकने की कला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है कि जब हम बीमारी को रोकने की कला है सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी कि आदमी बीमार ना पड़े उसको रोकने की कला क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है। विज्ञान और जीवन को विस्तार देने की कला है, नहीं हम क्या करते हैं इसके जरिए लोगों की जो लाइफ है, जो जीवन है, उसको विस्तार देते हैं। एक बात बताओ भाई, अगर आदमी डेली बीमार रहेगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी मर जाएगा, या डेली बीमार रहेगा तो उस पर शरीर पर हानिकारक प्रभाव, यानी कि जब हम स्वस्थ आदमी को जब हम स्वस्थ रखेंगे और व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, वह लंबे समय तक जीवन को जिएगा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्या कह सकते हो कि हम व्यक्ति को क्या करना चाह रहे हैं कि वो स्वस्थ रहे और लंबा जीवन जिए, यानी स्वास्थ्य और कल्याण दोनों की बात करते हैं। स्वस्थ तो रहे यानी किसी प्रकार की बीमारी से दूर रहे तथा उसका कल्याण भी हो, भलाई भी हो। भलाई कैसे होगी, वो लंबे समय तक जीवन को जिएगा, 100 साल की शतायु हो भाई, ऐसे कह सकते हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या कह सकते हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है कि लोग लंबा जीवन जिए, लंबी लाइफ जिए और स्वस्थ रहें, और किस लिए स्वस्थ रहें, ताकि वो लोग ज़्यादा दिन तक जिए, इसको बताता है सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य ही है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। अगला देखिएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम चिकित्सा देखभाल। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य को कहता है कि लोगों की भलाई का काम करता है, लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लंबा जीवन जिए। चिकित्सा देखभाल का मतलब है कि देखो एक बात बताओ, तुम चाहते हो कि भैया हर आदमी स्वस्थ रहे, बीमारी ना लगे उसमें और लंबा समय जिए, तो इसके क्या होगा, चिकित्सा देखभाल, डेली डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा क्या, वही है। नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल दोनों एक दूसरे के पहलू हैं भाई। अगर आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ठीक है, किसी बीमार की बीमारी ना रहे या वो लंबा जीवन जिए, उसका कल्याण हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
डेली डॉक्टर की चिकित्सा देखभाल उसको लेनी पड़ेगी, डॉक्टर से हर महीने चेकअप करवाना पड़ेगा या उसको रोकथाम के लिए लेना पड़ेगा, तभी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। नहीं कह सकती जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है जो चिकित्सा देखभाल है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डेली डॉक्टरों की भर्ती करनी पड़ेगी, डॉक्टर जाएगा लोगों को डेली चेक करेगा क्या कोई बीमारी ना हो, बीमारी को रोकथाम के लिए चिकित्सा देखभाल बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं और लंबे समय तक जीऊँ, इसलिए समय समय पर डॉक्टरी सलाह या चिकित्सा देखभाल करना उसकी बहुत ज़रूरी है। अरे बात आओ, अगर तुम चिकित्सा देखभाल करोगे तभी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तभी तो लंबा जिएगा। इसलिए कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में चिकित्सा देखभाल बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम सबने देखा होगा ना भाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य का सरकार चाहती है या गवर्नमेंट चाहती है या कह सकते हैं राज्य चाहता है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें, लंबा जीवन जिए, उनका कल्याण हो, उनकी भलाई। इसलिए सरकार ने अस्पताल खोल रखा ना, ये क्या चिकित्सा देखभाल करिए सरकार ना भाई। जो अस्पताल खुले गाँव गाँव में, देहात देहात में, शहर शहर में जो अस्पताल खुले हैं, क्यों खुले हैं, ताकि लोगों लोग स्वस्थ रहें, ठीक है, उनकी चिकित्सा देखभाल के जरिए क्या लोगों को स्वस्थ की बात हो, यानी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और लंबा जीवन जिए। इसलिए चिकित्सा देखभाल होना बहुत ज़रूरी है। जब डॉक्टर आपकी देखभाल करेगा, जब आप कुछ बीमार हो दवाई ले लेंगे क्या होगा, तभी तो हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और लंबा जीवन जिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर थ्री पर्यावरणीय स्वास्थ्य, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, ये स्वस्थ रहे भाई, पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ना हो, यही पर्यावरणीय स्वास्थ्य है। यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो क्या रहे, स्वस्थ रहे। जैसे हम मनुष्य के स्वस्थ होने की बात करते हैं कि भाई मनुष्य स्वस्थ रहे तो क्या होगा, मनुष्य के स्वस्थ होने की बात करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, जो नेचर है, पर्यावरण प्रकृति है, ये भी स्वस्थ रहे। जब हमारा प्रकृति स्वस्थ रहेगी, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो क्या, तभी तो इंसान स्वस्थ रहेगा। एक बात बताओ, जब ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण होता रहेगा तो भाई आदमी जो सांस लेगा, जो पिएगा, ठीक क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, इसका भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है भाई। जो हवा है, हवा में किसी प्रकार की जहरीली गैस ना हो, अच्छी गैसें हों जिसे व्यक्ति ऑक्सीजन अच्छे से मिलती रहे। दूसरा, जो जल है, जो हमारा पानी जिसको हम पी रहे हैं, हमारा पानी भी क्या हो, स्वच्छ हो, दूषित ना हो, उसमें नहीं कि कीटाणु घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। दूसरा कह सकते हो कि हमारी जो शोर है वो भी लिमिटेड में रहे, ध्वनि जो प्रदूषण होता है ये इतना ना हो कि आदमी बहरा हो जाए, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। क्यों, एक प्रकार से आप देखो पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पूरा जो पर्यावरण होता है, ये स्वस्थ हो। अरे स्वस्थ कैसे होगा, इसके लिए काम करो। जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तभी तो आदमी स्वस्थ रहेगा। अब चाहे जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, तो आदमी स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। और जब आज हम लोग सांस लेंगे और सांस लेने के समय जब हमारी हवा ही दूषित रहेगी तो क्या होगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे, आदमी का स्वास्थ्य नहीं रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि आदमी का अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा जो नेचर प्रकृति है इसका भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये इसी की बात कर रहा, पूरे चैप्टर में यही बात होगी कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या है। भाई पर्यावरणीय स्वास्थ्य का मतलब सिंपल सा होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, इसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसकी बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने बात की है, देखो क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। स्वास्थ्य अब तक हम एक कोई सटीक परिभाषा नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। एक चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य केवल किसी बीमारी और बीमारी से मुक्त होने के बारे में है, बल्कि बहुत से लंबे स्वास्थ्य को केवल इसी तरीके से परिभाषित करें कि हम लोग मूलतः स्वास्थ्य को यही मानते हैं कि अगर कोई आदमी बीमारी से मुक्त है, बीमारी से दूर है, इसको हम क्या मानते हैं, स्वास्थ्य मानते हैं। ईमानदारी से कहें तो यह एक बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि व्यक्ति को एक बीमारी हो सकती है, लेकिन वह तभी स्वस्थ और खुश महसूस कर सकता है या सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। करें कि आदमी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे या बीमारी से मुक्त रहे या उसकी इच्छा शक्ति पर भी नहीं। देखो स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि मूलतः तो यही माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मुक्त है या उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं, यही क्या स्वस्थ है, और यही मूलतः यही माना जाता है। देखो
स्वास्थ्य की आधुनिक परिभाषा कह सकते हैं 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दी है, द्वारा दी गई है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से इसे संशोधित नहीं किया गया। WHO स्वास्थ्य और पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति मानता है। WHO कहता है कि मनुष्य जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से उसकी भलाई हो, यही क्या स्वास्थ्य है, इसको मानता है। यह परिभाषा समग्र दृष्टिकोण को अनुसरण करती है, यानी स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से होना बहुत जरूरी है। नहीं, कोई व्यक्ति स्वस्थ है क्या मानेंगे, जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। भाई शारीरिक रूप से तो उन्हें दवाई वाई करके ठीक कर दिया, आदमी सही हो गया, लेकिन क्या है, मानसिक रूप से भी उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता, बहुत ज़्यादा सोचता है, विचार करता है, ये इसका भी स्वस्थ, टेंशन ना ले, ये भी स्वस्थ बहुत जरूरी है। अगला क्या कह रहे हैं कि अगर देखोगे सामाजिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण, इसका भी स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। जब भाई पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तभी तो आदमी स्वस्थ रहेगा। एक बताओ, जब ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारा जब प्रदूषण सारा प्रदूषण फैलता रहेगा तो क्या होगा, आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तुम आदमी का कितना ही दवाई खिलाती रहो, कितना ही उसका इलाज करवाती रहो, जब इको सिस्टम में हम लोग सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इससे क्या होगा, बहुत ये नहीं, अगर पानी अच्छा नहीं है, जल अच्छा नहीं है, वो स्वच्छ नहीं है, हवा हमारी अगर स्वच्छ नहीं है तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। आदमी के तुम कितनी स्वास्थ्य पर ध्यान दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी तुरंत बीमार हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो रह रहा है ना, उससे पर इसलिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ठीक है, कह सकती हो। पर्यावरणीय स्वास्थ्य की समझ क्या है, स्वतंत्र रूप से दो शब्दों को सीखने में हम पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। 1989 में WHO ने मानव स्वास्थ्य और उन बीमारियों के पहलुओं को शामिल किया जिसमें परिभाषित करना जो पर्यावरण के कारण निर्धारित होते हैं, यह पर्यावरण के कारकों का आकलन करने के उन करता है। देखो 1993 WHO ने यूरोपीय सदस्यों के द्वारा एक बैठक में इस शब्द को परिभाषित किया है जिसमें हालिया प्रयास है, उसकी प्रसारित परिभाषा देखो, पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी परिभाषा सुनिएगा। पर्यावरणीय स्वास्थ्य मानव के स्वास्थ्य के उन पहलुओं को शामिल करता है जिसमें जीवन की गुणवत्ता शारीरिक, जैविक, सामाजिक द्वारा निर्धारित की जाती है। पर्यावरण में पर्यावरणीय स्वास्थ्य मनोविज्ञान और सामाजिक परख है। यह पर्यावरण उन कारकों का आकलन करता है जिसमें सुधार और रोकथाम के सिद्धांत पर संदर्भित करता है और व्यक्ति जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। देखो कह रहे हैं कि जब हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा ना तो भाई हम लोग तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो भी स्वस्थ रहेंगी। अगर हम इन्वायरमेंट को स्वस्थ रहेंगे, हमारा अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाले लोग हैं, वो भी स्वस्थ रहेंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे, वो भी तंदुरुस्त रहेंगे। पर्यावरणीय स्वास्थ्य ये बताता है कि भाई इंसान जो है, मनुष्य जो है, उसके स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक तो हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, और तीसरा हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों, हमारा समाज जो है, जो सोसाइटी है, जो इकोसिस्टम है, उसका भी स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे आसपास का जो नेचर, प्रकृति है, इसका भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा प्रकृति स्वस्थ रहेगा, नेचर स्वस्थ रहेगा, तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी स्वस्थ रहेंगी, नहीं तो उनको दुनिया भर की बीमारी लगती रहेगी। आप सब देखते हो ना कि पहले का आदमी कितना दिन तक जीता था, क्योंकि इन्वायरमेंट जो था बहुत स्वस्थ था, हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था। आज के समय जो आप देखते हो ना, आदमी तुरंत बीमार पड़ जा रहा है, लोगों के चश्मे लग जा रहे हैं। क्यों लग जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो पेड़ काटे गए हैं, जितनी गर्मी है, क्या है? इसका प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर ना, यही भाई। आज का जो पर्यावरण है, आज का पर्यावरण स्वस्थ नहीं है। दुनिया भर का तो बाहर निकलो, कितना धूप है, या देखो कई बार हो नहीं जाता, जब आज जो इन्वायरमेंट है दूषित हो गया है, पर्यावरण तो दूषित हो गया, इसलिए देखते हो लोगों की इतनी बीमारी होती चली जा रही है ना। भाई आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले, अगर मैं बोलूँ 70 साल पहले के जो लोग थे, लंबा जीवन जीते थे, उनको चश्मा भी नहीं लगता था, वो चश्मे भी नहीं लगाते थे, उनको लंबे समय देखते भी थे, चश्मा उसमा कुछ नहीं लगाते, उनके बाल भी नहीं झड़ते थे। लेकिन आज देखोगे हर छोटा से छोटा बच्चा चश्मा लगा ले रहा है, या उसके बाल झड़ रहे हैं, या पहले के लोग जितना काम करते, आज उतना व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। तो क्या, पहले जो इन्वायरमेंट था बहुत स्वस्थ था, तो लोगों पर उसका खूब अच्छा प्रभाव पड़ता था, लोग लंबा जीवन जीते थे, चश्मे नहीं लगते थे। आज के समय क्या है, इन्वायरमेंट क्या बहुत दूषित हो गया, पर्यावरण क्या है
स्वस्थ नहीं है, इसलिए आदमी भी स्वस्थ नहीं, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव खूब पड़े हैं। तो कहता पर्यावरणीय स्वास्थ्य बताता है कि अगर हम इंसान की स्वास्थ्य की बात करते हैं, इंसान में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, इंसान की भलाई हो, तो हम मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य की बात करता है, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है इसका भी स्वस्थ होना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है हमारा, क्या है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्या है, रोगों का महामारी विज्ञान। भाई तो महामारी विज्ञान में क्या, पहले जैसे चिकारी रोगों रोग है, परिस्थिति का अध्ययन है, रोगों का एक क्या इनकी परिभाषा बताना है, जैसे अगला ये इम्पोर्टेंट संक्रामक रोग क्या होते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, अरे भाई जिसको जो संक्रमण से फैलता है, संक्रामक रोग जिसको बोलते हैं, जो संक्रमण से फैलता है, जो जीवाणु से कीटाणु से, अगर बोलोगे जैसे अगर मलेरिया है संक्रामक रोग है ना, पता कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, हल्मक रोग क्या होते हैं देखिएगा। संक्रामक रोगों को एटियोलॉजी की जांच में विश्लेषण महामारी विज्ञान के तरीके से हम व्यापक रूप से इनको केस कंट्रोल के द्वारा की जाते हैं। संक्रामक रोग देखिएगा पहला क्या है, पूर्वव्यापी कोहान अध्ययन। इस तरह के अध्ययन डिजाइन से हम एक छोटे आकार के नमूने के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है, इसे परिभाषित आबादी के सदस्यों से संपर्क किया जाता है ताकि वह स्रोत और वाहकों के बारे में जान सकें और जांच के अंतर्गत मरीज की बीमारी का रूप में विकसित होने वाले जोखिम का निर्धारण कर सके। इसमें संक्षिप्त जोखिम और परिणाम जोखिम की गणना कीजिए। देखो अगर मान लो किसी जगह पर लोग बीमार हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के हम लोग क्या करते हैं, उस जो बीमारी है ठीक है या जो रोग है, ठीक है, वो जो बीमारी होगी या जो रोग हो गया उसका क्या करते हैं, एक प्रकार से उसकी हम लोग जाँच करते हैं कि भाई एक संक्रामक रोग है, क्यों फैल रहा है, रीजन क्या है, परिणाम क्या है, बीमारी क्या है, इसकी पूरा क्या देखते हैं, इसको हम पूरा किया जाता है संक्रामक रोग। और ख़ास तौर से संक्रामक रोग में क्या होता है, केस कंट्रोल स्टडी होती है। संक्रामक रोग में जैसे मान लो कि जैसे देखा होगा ना कोरोना फैल गया था ना, तो क्या भाई कोरोना तो फैल गया, फिर उसका संक्रामक रोग था, फिर उसको क्या उसका कंट्रोल करने के लिए स्टडी की ना, भाई कोरोना जैसे मान लो किसी एक इंसान को कोरोना हो गया, बोलो हाँ, तो इस इंसान पर खूब जांच की गई, भैया कोरोना क्यों हो गया, रीजन क्या है और कोरोना कैसे ठीक होगा। अरे देखा नहीं होगा कोरोना जब फैला था तो उसकी दवाई बनने में समय लगा ना, क्यों बनने में समय लगा, क्योंकि भैया वो रोग तो फैल गया, कोरोना फैल गया, लेकिन अब क्या करेंगे उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने में क्या करा टाइम लगेगा ना, उसकी जाँच करेंगे। जैसे मान लो कि कोरोना हो गया किसी को, दवाई बना करके खिलाई, दवाई ने काम नहीं किया, फिर सोचा भैया कि इस पर कोई दूसरा एंटीबायोटिक कैसे बना जाए, तो उस पर जांच की जाती है। जैसे मान लो कि जब संक्रामक रोग हो जाता है तो संक्रामक रोग की जो एंटीबायोटिक बनती है, समग्र रोग एंटीबायोटिक ही बनती है, मैं बता दूं जितने भी संक्रामक रोग होते हैं सबकी इनकी एंटीबायोटिक बनती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ना, देखो संक्रामक रोग जब हो जाता है तो किसी इंसान का तो है नहीं, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम हो गई, यानी संक्रामक रोग यानी बाहर कह सकते जैसे हम लोग हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है हमारे शरीर की कम हो गई, इसलिए तो हम बीमार पड़ रहे हैं कि भाई जो बाहर का जो कीटाणु है वो हमारे जो अंदर के जो हमारे ऐसे कीटाणु जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनसे लड़ नहीं पा रहा। बाहर के जो संक्रामक रोग है क्यों आ रहा, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है, हमारे जो एंटीबायोटिक के जरिए क्या करते हैं, जो अच्छे कीटाणु होते हैं मनुष्य के अंदर में जो क्या करते हैं रोगों से लड़ते हैं, जो बाहरी रोग आते हैं उनसे लड़ते हैं, उनकी जब क्षमता कम पड़ जाती है तो क्या होता, तभी तो इंसान बीमार पड़ जाता है ना। तो केस कंट्रोल स्टडी यही बताती है किसी केस को लेकर के उसकी जब कंट्रोल कैसे की जाए उसकी जाँच की जाती है, एंटीबायोटिक जब बनाई जाती है। एंटीबायोटिक क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कि कोरोना हो गया, कोरोना किसको हो रहा, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आप सबने सुना होगा कि भाई कोरोना उसको हो रहा था जो आदमी पहले से बीमार था, या उसको सांस की बीमारी थी, या उसको पहले से बुखार आता था, यानी कह रहे हैं कि यानी जिसके पहले से ही क्या थी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता थी कम थी, उसी कोरोना सबसे पहले पकड़ रहा था, यही बता रहे थे ना शुरू में। तो संक्रामक रोग यही बताता कि संक्रामक रोग कब आपको होगा, जब आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब घट जाएगी तब आपके जो बाहर के रोग होगा वो क्या करेगा आपके शरीर पर हमला करेगा, और आपके शरीर क्या है कमजोर है तो क्या करेगा आपको चपेट में ले लेगा, ये संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग में टीबी है, मलेरिया है, हैजा है, ये जितनी बड़ी बीमारी सारी संक्रामक रोग संक्रमण से होती हैं। चेचक है संक्रामक रोग है, कोरोना संक्रामक रोग है, जितनी बीमारियाँ संक्रमण से फैलती हैं।
यानी संक्रामक रोग कह सकते हो कि जब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और बाहरी जो कीटाणु हानिकारक जो कीटाणु जीवाणु हैं क्या है हमारे शरीर पर अटैक कर देते हैं, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता तो घट गई है, संक्रामक रोग में कह सकते हैं। उसके बाद इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें मलेरिया दे रखा है, जैसे जीवाणु रोग क्या होता है, जीवाणु रोग पुरानी यानी क्रमिक बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए चार स्तर हैं, जैसे मौलिक प्रारंभिक प्राथमिक द्वितीयक, यानी किसी बीमारी को रोकथाम के लिए चार हैं, जैसे मौलिक रूप है, प्राथमिक प्रारंभिक रूप है, प्राथमिक रूप है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक है। प्रारंभिक रोकथाम का उद्देश्य पुरानी बीमारियों में योगदान करने वाले जोखिम का विकास को बचाना। इस प्रकार रोकथाम, देखो जीवाणु रोग का मतलब यानी जो जीवाणुओं से रोग फैलता है और इसको बचाव करने क्या करते हैं, जैसे मौलिक कोई चीज़ अपनाते हैं, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, जिसके जरिए क्या करें बीमारी की रोकथाम की जा सके। जीवाणु रोग का मतलब जो किसी जीवाणु के फैलने से होते हैं रोग, जीवाणु रोग हम उसको बोलते हैं, किसी भाई कोई जीवाणु है खास, जैसे मलेरिया जीवाणु से होता है, जीवाणु से मलेरिया फैलता है, मलेरिया के बारे में भी इसमें बात की गई, मलेरिया को लेकर के बात करेंगे, जैसे इसमें है भी एक बार 10 पूछ भी लिया था मलेरिया के बारे में, शायद एक बार आ चुका है मलेरिया। देखिए जैसे चुनिंदा प्रोटोजाओं में खासतौर से, जैसे एक तो यानी ऐसे रोग जो कुछ ऐसे जो प्रोटोजावा है जिनसे रोग फैलता है, जैसे मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है अगर आप देखेंगे तो क्या है, प्लाज्मोडिया क्या है इसके फैलता है, ये प्रोटोजावा, इन प्रोटोजा देखो ये प्रोटोजावा यानी ये जीवाणु हैं या कीटाणु हैं, इनके जरिए रोग फैलता है, जैसे मलेरिया फैलता है इन बीमारियों से फैलता है, यानी जो मलेरिया होगा उसी प्रकार से देखो ना कई सारे जो प्रोटोजावा हैं इनके जरिए क्या होता है इस तमाम तरह के जो रोग फैलते हैं। देखो मलेरिया यह प्लाजास्टोमिया मोडिया की प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है, मादा मच्छर के काटने से संक्रमित प्रजाति द्वारा मानव प्रसारित होता है। देखो करें कि जो मलेरिया तो मच्छर के काटने से फैलता है, कौन सी मच्छर काटती है, मादा मच्छर उसको काटती है। मलेरिया 8 से 21 दिनों के बाद संक्रमित मच्छर के काटने के बाद विकसित होता है, करें कि अगर कोई मच्छर अगर आपसे आपको काटेगा तो 8 से लेकर के 21 दिन तक क्या होगा आपको मलेरिया हो जाएगा। जो प्रजातियों जीवाणु जलवायु परिस्थितियों और मेजबान प्रतिरक्षण पर निर्भर करता है, और जब मलेरिया होगा तो क्या होगा आपको बुखार आएगा, उल्टी होगी, सिरदर्द होगा, फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जब लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो इसका परिणाम में फिट चेतन नुकसान होता है। देखो जब मलेरिया तो क्या होता है हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों से लड़ती हैं ये कमज़ोर पड़ जाती हैं और व्यक्ति का क्या होता है उसकी फिटनेस उसकी जो चेतना का नुकसान होता है। मलेरिया तब होता है जब पराजीवी मस्तिष्क में स्थानांतरित होते हैं। यदि गर्भवती महिला मलेरिया यानी उसको संक्रमित होती है तो यह गर्भपात का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है अगर उसको मलेरिया हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा उसका गर्भपात हो जाएगा, अबोर्शन हो सकता है, ठीक है करवाना पड़ सकता है, क्योंकि मलेरिया उसको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, किसको गर्भवती महिला को, ये मलेरिया तो ऐसे भी बहुत हानिकारक होता है, कह रहे हैं कि वही प्रकार करेगा मलेरिया। भारत में लगभग 95% आबादी मलेरिया के लिए स्थानिक है, उड़ीसा झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बंगाल पूर्वोत्तर में मलेरिया का बोझा 60% योगदान है, करेंगे भारत में ज़्यादातर जो सबसे बड़ा जो बीमारी फैलती है वो मलेरिया, मलेरिया से काफ़ी लोग मरते हैं और मलेरिया भारत में खूब फैलता है क्योंकि गंदगी है ना भाई, मलेरिया कहाँ पर फैलेगा जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर पानी जमा हो रहा, तो क्या भारत में गंदगी तो हर जगह पर है, पानी हर जगह, और इसीलिए देखो भारत में 65% मलेरिया के कारण है जो बीमारियाँ फैल रही हैं। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्नाटक उड़ीसा में हो सकता है मलेरिया का संक्रमण खूब है, गंभीर संक्रमण है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर जो बीमारियों में मलेरिया का 60% योगदान है सभी बीमारियों में मलेरिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगले कुछ चैप्टर्स को देखते हैं, ठीक है। 5 क्या है, स्वास्थ्य और बीमारी पर सामाजिक कारक, इसमें खास तौर से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य और बीमारी पर, जैसे लिंग और स्वास्थ्य क्या होता है, देखो लिंग और स्वास्थ्य को बता दूँ ना, देखो आपको पता होगा कि जैसे महिला और पुरुष में स्वास्थ्य को लेकर के क्या बातें होती हैं, ठीक है उसको लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है।
स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। देखो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है, स्वास्थ्य को परिभाषित किया 1948 में। स्वास्थ्य का मतलब क्या था कि जब मनुष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो और उसका कल्याण हो, यही स्वास्थ्य है। क्या कह रहे हो, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, यही क्या है, स्वास्थ्य है उसका। तभी क्या होगा भैया, कल्याण होगा। ठीक है, स्वास्थ्य केवल एक व्यक्ति का सुख नहीं है। स्वास्थ्य का मैं यही बता कि एक व्यक्ति स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, वो नहीं है, बल्कि पूरे समाज, जो पूरा समाज है, पूरी सोसाइटी जो है, ये स्वस्थ होनी चाहिए। नहीं क्या है, सभी लोग स्वस्थ हों, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक इंसान के रूप में अपनी पूरी क्षमता का अच्छे से प्रयोग करे और उसकी भलाई हो, यही क्या, स्वास्थ्य है। ठीक है, विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में तरीकों से स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य को हम आयुर्वेद स्वास्थ्य शरीर को, जैसे मन है, आत्मा है, सामाजिक भलाई, इसमें संतुलन करते हैं। यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, अपने मन से, आत्मा से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मूलतः तो हम लोग स्वास्थ्य को क्या मानते हैं, भाई किसी को कोई बीमारी नहीं, ये स्वास्थ्य है, बल्कि वो नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, मन से भी। ठीक है, यानी फिजिकली तो स्ट्रांग हो लेकिन मेंटली भी होना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य को कह रहे हैं। अगला क्या है, स्वास्थ्य असमानता, स्वास्थ्य परिणाम और स्वास्थ्य असमानता। देखो करें, मूलतः हम स्वास्थ्य में क्या देखते हैं भैया, जो हम जैसे मैं बताऊँ कि व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, तो व्यक्ति स्वस्थ, व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की समानता हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे और महिला पुरुष के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के स्वस्थ की बात करता, असमानता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई पुरुष स्वस्थ रहे, महिला बीमार रहे, या जाति के आधार पर, देखो नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर, लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, यौन इच्छा के आधार पर, सभी स्वस्थ होने चाहिए। यानी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, स्वास्थ्य सभी स्वस्थ रहें, यानी स्वास्थ्य में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, भेदभाव ना हो, ना तो जाति के आधार पे हो, ना तो धर्म के आधार पे हो, ना तो लिंग के आधार पे हो, ना तो भाषा के आधार पे हो, भैया सभी के स्वास्थ्य की बात करता है स्वास्थ्य, सभी के स्वास्थ्य की बात करता है। ये थोड़ी बात करता है कि हिंदू स्वस्थ रहे मुसलमान बीमार रहे, या मुसलमान स्वस्थ रहे हिंदू बीमार रहे, या जाति जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण स्वस्थ रहे शूद्र बीमार रहे, या शूद्र स्वस्थ रहे ब्राह्मण बीमार, यानी या जो स्वास्थ्य असमानताएं बताती, समानताएं बताती है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी की बात करता, असमानता की बात नहीं करता है कि कोई स्वस्थ रहे कोई स्वस्थ नहीं, सभी व्यक्तियों को स्वस्थ होने की बात करता है। क्या स्वास्थ्य समानता, स्वास्थ्य असमानता की बताती है। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारण। स्वास्थ्य का सामाजिक निर्धारण कब होता है, कि जब हमारा सामाजिक है, भौतिक है, आर्थिक है, जब हम इस सभी रूप से स्वस्थ होते, क्या है, यही स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक में क्या होता है, जैसे शिक्षा, देखो जो हमारी एजुकेशन शिक्षा, यह भी हमारे स्वास्थ्य को डिसाइड करती है। दूसरा लिंगानुपात, ये भी हमारे स्वास्थ्य को बताता है भाई कितना है लिंगानुपात, यानी एक हज़ार लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, ये भी स्वास्थ्य को बताता है। ठीक है, ये नहीं कि बेटियों को गर्व मारते नहीं, ये गलत है, यानी ये स्वास्थ्य को क्या करता, परिभाषित करता है, जो मैं बता रहा हूँ। अगला परिवार, दोस्त, समुदाय, ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। धन संसाधन, आपके पास कितना रुपये पैसा है, ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अगला आवास, हमारा घर कैसा है, अगर हमारा भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता था, यानी हमारे घर कैसे विशाल हो, हवादार रहने हो चाहिए ताकि हम सांस लेने में आसानी हो। दूसरा शिक्षा और कौशल भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ज़्यादा स्वस्थ रहता, अनपढ़ व्यक्ति में अज्ञानता है उसको बीमारी कई सारी लगती है, उसको पता नहीं, जानकारी नहीं। अच्छा काम, जब हम लोग अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। परिवहन, यानी जिन चीज़ों से हम गाड़ी मोटर जिससे आ जा रहे हैं, इसका भी जो प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। भौतिक परिवेश, यानी जो हमारा जो परिवेश है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारा जो शहर है कितना साफ है, कितना सुंदर है, कितना गंदगी है, इससे भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित होता है। भोजन, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य को क्या करता, प्रभावित करता भाई। अगर अच्छा भोजन खाएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अगर हम लोग दूषित भोजन खाएंगे, उसमें अगर देखोगे जो हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, अगर उस भोजन में अगर किसी प्रकार के अगर मान लो कि इसमें पौष्टिक आहार नहीं है, पोषक तत्व तो नहीं है, क्या होगा, भोजन करने का कोई फ़ायदा नहीं ना। आज लोग तो आप सब लोग देखते होंगे ना, क्या देखते हैं कि आज लोग अगर सब्जी बनाओ तो सब्जी में कोई टेस्ट नहीं है, दाल बनाओ दाल में भी कुछ नहीं है,
अरे सब्जी में टेस्ट इसलिए लोग कितना मसाला भर रहे हैं क्योंकि आज के समय में अगर आप देखो खान पान में कोई स्वाद नहीं बचा। आज के 10 साल पहले 20 साल पहले क्या होते थे, खाद का प्रयोग नहीं होता था, अब तो इतना ज़्यादा केमिकल का खेतों में डाला जा रहा है कि उसकी जो जो खाने का जो टेस्ट है वो बचा नहीं है। सिर्फ गोभी लाओ, कोई भी सब्जी लाओ, कोई भी सब्जी में टेस्ट नहीं है। वो तो दुनिया भर के MDH मसाले भर रहे हैं तब उसमें कुछ टेस्ट बना, नहीं तो कुछ नहीं है। पहले तो लोग नॉर्मल जो होती थी शुद्ध जो खेत से लेकर के आते थे आराम से बना लेते थे, मसाला भी ज़्यादा नहीं डालते थे, उसका स्वाद भी रहता था, अच्छा खाते थे। आज के समय में खाना कैसा होगा, आज का खान पान में तो देखो कोई कहीं भी चले जाओ इतना मसाला भर रखा, इतना मसाला भर रखा, तो सब्जी तो कम है, सब्जी ज़्यादा तो मसाला उसमें पड़ा हुआ है, क्या मसाला डाल रहे हैं, क्योंकि सब्जी वो जो हमारी सब्जी है जो हमारी दाल है उसमें कोई टेस्ट नहीं बचा है। ठीक है, अगर नॉर्मल दाल बना दी जाएगी ना तो लोग कोई खाएगा नहीं क्योंकि बेस्वाद है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। क्योंकि बेस्वाद क्यों हो गई, क्योंकि हम लोग ना इतना ज़्यादा केमिकल यूज करते हैं, इतना ज़्यादा खाद यूरिया डाई जब खेतों में इतना यूज हो रही, तो क्या होगा, जो क्या होगा, जो हमारी फसल हो रही है जो हमारा उगा रहे हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखाने में है। ठीक है, यही क्या भाई, भोजन भी हमारे स्वाद को खूब प्रभावित करता है, यानी खान पान जो हमारा है, जो भोजन इससे भी प्रभावित होता है। ठीक है, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक हैं, स्वास्थ्य जो हमारा स्वास्थ्य है किससे निर्धारित होता है, भैया हमारी स्कूली शिक्षा कितनी है, हम कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, या हम काम कम करें, आराम भी करना बहुत जरूरी है। अगर बताओ भाई आप व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो आराम भी करना बहुत जरूरी है, उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, यानी कि पूरा दिन लगा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, चलेगा नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत ही यानी स्वास्थ्य को दैनिक जीवन में सुधार हो, देख सकते स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि भाई लोगों की जो दैनिक जीवन है उसमें सुधार होना चाहिए। बिजली धन संसाधन में असमान वितरण को निपटाना है, करें कि हर व्यक्ति को समान बिजली मिले, समान संसाधन मिले, समान स्वास्थ्य देखभाल मिलनी चाहिए। इसको काम करना है। स्वास्थ्य असमानता की समस्याओं को मापें और समझें और लगातार हस्तक्षेप के भाव से आकलन करें, करें कि स्वास्थ्य में देखो स्वास्थ्य में क्या करें भाई, महिला के स्वास्थ्य को भी, महिला को भी उतना ही उसकी जांच हो, उतना उसको दवाई मिले, उसका पोषक तत्व मिले, और पुरुष को भी उतना मिले। यानी हम क्या करें, समाज में जो स्वास्थ्य को लेकर जो असमानता है उसको बदलें। देखते नहीं अमीर आदमी तो तुरंत अस्पताल चला जाता है, दवाई करवा लेता, पैसा है उसके पास, गरीब आदमी तो दवाई नहीं करवा पाता, इसे मर जाता है। ये कहें कि स्वास्थ्य को लेकर जो समाज में असमानता है उसको कम कीजिए। देखो देखती नहीं होगी भाई, गरीब आदमी जो है, जो बेसहारा है, गरीब लोग कहाँ दवाई करवा पाते, अगर उनके कैंसर हो गया है, TB हो गया है, मलेरिया हो गया, अगर बड़ा बीमारी हो जाता ना तो बड़े बड़े अस्पताल नहीं जा पाते लोग, अरे झाड़ फूँक करवा करके कई बार मर भी जाते हैं। लेकिन जो बड़ा आदमी होता है, जो पैसे वाला आदमी, क्या वो जा करके बड़े बड़े अस्पतालों में, मेदांता में जा करके इलाज करवा रहे हैं लोग पैसे में, और गरीब आदमी कहाँ करवा पा रहा। तो करें कि स्वास्थ्य को लेकर जो असमानता है, जो अमीर गरीब में जो फर्क हो गया है, अमीर तो इलाज करवा ले रहा, गरीब करा ही नहीं पा रहा, गरीब वैसे मर जा रहा है, तो इसमें असमानता को कम करो, सब में बराबर लेकर के आओ भाई, गरीब भी अच्छा से इलाज करे वो भी स्वस्थ रहे, और जो अमीर व्यक्ति है वो भी स्वस्थ रहे, भेदभाव ना हो, बल्कि सभी स्वस्थ रहें, तभी समाज का कल्याण होगा, तभी समाज की भलाई होगी। नहीं, स्वास्थ्य में असमानता जो है पैसे को लेकर के, भाई जो जिसके पास पैसा हो तो इलाज करवा ले रहा, जिसका पैसा नहीं हो कहाँ से इलाज करवाएगा, तो असमानता को कम कीजिए। स्वास्थ्य असमानता बताती है कि जो हमारा हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसमें क्या, जिसके पास रुपया है, पैसा है, संसाधन है, वो तो इलाज करवा रहा है, जिसके पास रुपया पैसा संसाधन है वो तो इलाज नहीं करवा पा रहा, वो तो ऐसे मर जा रहा है। तो क्या है, इस असमानता को कम करना है। ठीक है, यही बता रहा है। अगला इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक और आया है, उसको हम बात करें, स्वास्थ्य और लिंग। स्वास्थ्य और लिंग ये बताता है कि लैंगिकता को बताता है। एक चीज़ मैं बताऊँ, हमारे देश में ना जो लड़का है, जो पुरुष है, उसके स्वास्थ्य पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लड़कियों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उस लड़की को कब माँ बनना है वो डिसाइड नहीं करती, बल्कि परिवार डिसाइड करता है। नहीं क्या है, एक प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नहीं महिला और पुरुष में क्या करते हैं, स्वास्थ्य के आधार पर भेदभाव होता है ना। अगर किसी के घर में अगर कोई बच्ची है, लड़की है, अगर बीमार पड़ जाती है तो उसका इलाज घर वाले नहीं करवाते, लेकिन उनका बेटा अगर बीमार पड़ जाए तुरंत अस्पताल भागेंगे, बेटी को तो ऐसा मानेंगे, दवाई नहीं करवाएंगे, तो दूसरे के घर जाएगी, इसका दवाई मत कराओ। दूसरा, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तब भी भेदभाव होता है, जैसे उसका हस्बैंड है, जब मन करेगा तब उससे संबंध बना लेगा, रिलेशन बना लेगा, उसको पूछेगा भी नहीं, उसकी कोई अधिकार नहीं है। यौन इच्छाओं में अगर बात करें,
अगर हम यौन इच्छा की बात करें, जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें महिलाओं को कुछ नहीं सुनी जाती है, जो उसका पुरुष है, जो पति है, उसका जब मन करके तब बने, महिला को कोई इच्छा नहीं। यही लिंग और स्वास्थ्य को बताता है कि हम महिलाओं को एक प्रकार से स्वास्थ्य अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है, वो डिसीजन नहीं पा रहे, महिला बीमार हो उसकी दवाई नहीं हो पा रही। पुरुष यानी पुरुषों का वर्चस्व है किसमें, स्वास्थ्य में, यानी महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इसी भेदभाव को लिंग और स्वास्थ्य बता रहा है। लिंग और स्वास्थ्य क्या बता रहा है कि महिला और पुरुष यानी कह सकते हैं लड़का और लड़की का जो स्वास्थ्य है उसमें जो भेदभाव है उस भेदभाव को बता रहा है। आपको इसमें मिलेगा भी, जैसे मैंने बात करें, समाज में महिलाओं की अधीन स्थिति है, वे अक्सर ऐसे हिंसक रिश्तों में रहती हैं जो उनको शारीरिक और भावनात्मक रूप से, देखो आज बात करें, देखते नहीं कि महिला घर में रहती उसका कितना अपमानजनक अपमान होता है, उसका शोषण, उसका दमन होता है, ठीक है। यानी महिलाएं जो हैं ऐसे रिश्ते में, बहुत ज़्यादा रिश्ते में जहाँ पर उनके साथ मारपीट होती है, हिंसा होती है, बीमार पड़ जाती हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऐसे रिश्ते में महिलाएं बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, ठीक है। महिलाएं बार बार पुरुषों के अवसाद से पीड़ित होती हैं। अगर एक बात बताऊं, अगर किसी का हस्बैंड ना टेंशन होगी आकर के महिला को मार देगा। नहीं, जो महिलाएं हैं पुरुषों के अवसाद से, अगर पुरुष डिप्रेशन में है, पति डिप्रेशन में, तो महिला बेचारी वैसी डिप्रेशन में चली जाती है, यानी उससे प्रभावित हो रही ना। मोटे तौर पर खराब आत्मसम्मान है महिलाओं को लेकर के, नहीं महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा इससे महिला बहुत ज़्यादा भाई दुखी रहती है, डिप्रेशन में चली जाती है। यानी कह सकते घर की सारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, सारा प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है, इससे भी महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। भारतीय महिलाओं को उनके पुरुष समकक्ष तुलना में एनीमिया का खतरा होता है। वह देखो एक चीज़ बता दूं, ज़्यादातर घरों में देखोगे जो पुरुष खाना खाता है, पुरुष तो खाना खा लिया, उसी थाली में महिला भी खाना खा रही है, तो क्या होगा, पुरुष ने खाना खाया है उसी थाली में महिला खाना खाई, क्या होगा, महिला बीमार हो सकती ना। आप सबने घरों में देखा होगा क्या होता है, जैसे आपके पापा खाना खा लेते, कई बार आपकी मम्मी भी उसी थाली में खाना खा लेती है। एक चीज़ मैं बताऊँ, हमारे घर में तो ऐसा ही होता था, सच्चाई हमारे गांव में तो ऐसा होता था कि जैसे जिस थाली मेरे पापा खाते थे उसी बाद में, देखो मूलता ये भी होता, कई बार जैसे घर के पुरुष पहले खाना खाते, महिलाएं बाद में खाना खाती हैं, ये तो घरों में आप सबने देखा होगा। बल्कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे करें कि महिलाओं में एनीमिया, वही बता रहे कि खाना खाने जब पुरुष खाना छोड़ देता, कई बार उसको महिला खा लेती है। ये मूलता तो होता था गाँव में, ऐसा होता था, जैसे मान लो कि भाई किसी का वो पति है, उसने खाना खाया, अगर मान लो उसने खाना छोड़ दिया तो जो महिला उसको खाना खा लेती। कई बार यही असमानता तो बता रहा महिला पुरुष में, भाई पुरुष ने रोटी चार लिया, चावल लिया, चावल थोड़ा सा छोड़ दिया, तो महिला उसको खाना खा रही है, तो क्या एक प्रकार से जूठन खा रही है या ऐसे खाएगी, तो क्या होगी, बीमार पड़ सकती ना। तो ये क्या है, स्वास्थ्य महिला और यानी कह सकते स्त्री और पुरुष में स्वास्थ्य को लेकर क्या भेदभाव है। अरे भाई जूठा खाएगी, बचा खुचा खाएगी, बाद में खाएगी, बीमार पड़ सकती, इन्हें ऊपर का जो पौष्टिक आ रहा है तो पुरुष खा लिया, महिला को नीचे पेंदी का मिल रहा है, बचा खुचा में क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, तो क्या है, महिला बीमार पड़ सकती है ना। यही क्या, यही भेदभाव हो रहा है स्वास्थ्य के आधार पर, महिला और पुरुषों के आधार पर। ये मैंने बता दिया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर हम सेक्स की बात करें और प्रजनन की बात करें, खास तौर से जो महिला और पुरुष का जो संबंध है, उन संबंधों में महिलाओं को बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। पुरुष का मन करता तब जा करके फिजिकल रिलेशन बना रहेगा। दूसरा, महिला को कब माँ बनना है, कब गर्भवती होना, उसका कोई फैसला नहीं हो, उसको तो सिर्फ डिसीजन घर वालों में बताया ऐसा करना है, ये करना है, वो करना, यानी उसको कुछ नहीं चलती है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर पहले तो क्या होता था भाई, छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, छोटी छोटी उम्र में जब शादी हो जाती, कई बार जो महिलाएं गर्भवती हो जाती थी, कई बार तुम समझ लो कि भाई बच्चा भी मर गया, माँ भी मर गई, रीजन क्या है, छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। दूसरा क्या भाई, एक माँ बनने की एक उम्र होती है, एक एज होती है, आप क्या होगा, तो यही सारी चीज़ होती है। यानी महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो हमारे भारतीय समाज में ये क्या होता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के एक निम्न दर्जा है, उनको तरजीह नहीं दी जाती है, पुरुष के ही को देखा जाता है, ठीक है। नहीं कई बार देखो कि घरों में जो महिलाएं इतना काम करती हैं, दिन भर काम करती हैं, और सारा काम करने के बाद फिर खाना करीब 12-1 बजे खा रही है, पुरुष तो पहले खा करके बैठा रहता है। वही ना, घरों में नहीं देखा नहीं, पहले घर के पति पुरुष खाना खाते हैं, बाद में महिलाएं खाना खाती हैं, बच जाता तब खाती हैं, बाद में बच्ची रोटी खा रही है, तो बाद में बच्ची रोटी खाएगी तो क्या होगी, उसका स्वास्थ्य खराब होगा। यही तो लिंग और पर स्वास्थ्य बता रहा है कि भाई महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, किसमें, स्वास्थ्य में, खान पान में, दवाई में भी हो रहा, स्वास्थ्य में होता है। भाई पुरुष बीमार होता तुरंत अस्पताल भाग जाता, इलाज करा लेता, महिला कहाँ पर इलाज कराई। तो यही चीज़ आपको बता रही है, स्वास्थ्य और लिंग और स्वास्थ्य में बताया जा रहा है, ठीक है। हेलो, चैप्टर नंबर 6 क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत क्या क्या हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य व्यवहार क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा कह सकते हैं इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवहार क्या है,
व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य के क्या क्या मॉडल हैं, थोड़ा मॉडल पूछा जाता है, कई बार आ सकते हैं स्वास्थ्य मॉडल। या पारस्परिक स्वास्थ्य व्यवहार क्या मॉडल है, जैसे तनाव मुकाबला स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल है, तो मॉडल जो है आपके इंपॉर्टेंट 6.2 और 6.3 इसमें पूछा जा सकता है, 6.2 का और 6.3 को लेकर के, ठीक है, इसको देखते हैं 6.2 6.3 को, ठीक है 6.2 में देखा। पहला क्या है, स्वास्थ्य विकास मॉडल। देखो स्वास्थ्य विकास मॉडल एक बीमारी की गंभीरता और इसके प्रति संवेदनशीलता के बारे में लोगों को व्याख्या करता है, यानी स्वास्थ्य विकास मॉडल क्या कहता है कि कोई एक बीमारी है उसको लेकर के लोगों में कितनी जागरूकता है, कितनी गंभीरता है और लोग कितने उसके बारे में विश्वास है उसको बताता है। स्वास्थ्य विकास मॉडल बताता है किसी एक बीमारी के बारे में लोगों में कितनी गंभीरता, कितनी जागरूकता है, लोग उस बीमारी के प्रति कितने संवेदनशील हैं, यही इसी की जो व्याख्या करता है उसको बोलते हैं स्वास्थ्य विकास मॉडल। यह विकास निवारक कार्रवाई करने की उनकी इच्छा को बताता है। उदाहरणतः सामाजिक मनोवैज्ञानिकों का एक समूह यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि लोग टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, हालांकि यह निःशुल्क प्रदान की जाती है, सुलभ है करके। देखो आप सबने देखा होगा ना कि सरकार जो है हर बीमारी को लेकर के टीके लगवाती है, छोटा सा बच्चे का जन्म होता है तो 0 से लेकर के 5 साल तक देखो खूब सारे टीके लगते हैं। तो वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि भाई जब सरकार लोगों को लेकर के टीके लगवा रही है, सरकार टीके लगवाती फ्री में लगते हैं, तब भी लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं, ये क्या कारण है। स्वास्थ्य विकास मॉडल यह बताता है कि किसी बीमारी को लेकर के लोग कितने जागरूक हैं, कितने गंभीर हैं, यानी स्वास्थ्य विकास मॉडल क्या है, लोगों में बीमारियों को लेकर के जागरूकता बढ़ाओ या लोग जागरूक हों और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हों और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और जो सरकार की तमाम स्वास्थ्य योजना है लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाभ उठाएं, ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं। स्वास्थ्य विकास मॉडल ये बताता है कि सरकार की जो योजना है, सरकारी जो योजनाएं हैं, उन सारी सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ उठाना चाहिए, और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, जाने समझें, उनको बताया जाए और अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हों। उनको पता नहीं कि भाई अगर हम बीमार हो जाएंगे तो लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे, यानी हर बीमारी को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने की बात कौन करता है, स्वास्थ्य विकास मॉडल, ठीक है। अगला क्या है इसमें देखिएगा, जो नेक्स्ट है स्वास्थ्य विकास मॉडल होगा, अगर आपसे पूछ सकता है तो करिएगा। इसमें आ सकता है स्वास्थ्य विकास मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। एकीकृत व्यवहार मॉडल क्या होता है, देखो यह मॉडल TRA और TPT के निर्माण के साथ साथ व्यवहारिक सिद्धांतों की बात करता है। देखो एकीकृत व्यवहार मॉडल बताता है कि भले ही किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो लेकिन उस व्यवहार के लिए उसे ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है। करें कि एकीकृत व्यवहार मॉडल ये बताता है भाई कोई व्यक्ति किसी का व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है, लेकिन उसको भी स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता है, उसको भी आवश्यकता है, कोई पर्यावरणीय या कोई बाधा नहीं है। एकीकृत व्यवहार मॉडल बताता है कि यानी पर्यावरण जो है उसको लेकर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, नहीं अगर मनुष्य तभी स्वस्थ रहेगा जब किसी प्रकार की नहीं, हमारा जो नेचर है, जो प्रण है, इसका भी स्वस्थ होना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार में सामंजस्य होना चाहिए, करें कि कोई व्यक्ति है उसके जब व्यवहार बना जाए सामंजस्य रखें, आपस में जो लोग हैं जब मिले जुलें बातचीत करें तो एक दूसरे का क्या करें, सम्मान करें, सामंजस्य रखें, मिलजुल कर रहें भाई, जब लोग मिलजुल कर रहेंगे क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे भाई। भाई आदमी जो आदमी खुश रहता है वो स्वस्थ रहता है, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा नाराज रहेगा, दुखी रहेगा, घुट घुट करके जिएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा। व्यवहार करने के अनुभव इसे असभ्यता बना सकते हैं ताकि इरादा का कम महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी कह सकते हैं एकीकृत मॉडल है जो बताता है। अगला देखोगे परासैद्धांतिक मॉडल के क्या होते हैं, परासैद्धांतिक मॉडल तो देखो परासैद्धांतिक मॉडल कह सकते हैं कि यह स्टेज ऑफ एज के मॉडल के रूप में जाना जाता है। पहली बार 1978 में जेम्स आर द्वारा विकसित किया गया मॉडल था। यह मॉडल पहली बार धूम्रपान पर स्वास्थ्य व्यवहार के अध्ययन के आधार पर भी करें परासैद्धांतिक मॉडल बताता कि अगर हम लोग धूम्रपान करेंगे, शराब पियेंगे, नशे करेंगे, बीड़ी सिगरेट पियेंगे तो क्या होगा, उसके हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कौन बताता है, परासैद्धांतिक मॉडल। यानी जब हम हानिकारक शराब का सेवन करेंगे, धूम्रपान करेंगे, गुटखा, बीड़ी सिगरेट, इनका जब हम खूब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, इसको कौन बताता है, परासैद्धांतिक मॉडल बताता है कि भाई अगर हम लोग
यही जो गुटखा पान बीड़ी सिगरेट इनका जब सारा खूब सारा यूज होगा क्या है, पराशैद्धांतिक मॉडल यही बताता है कि अगर इनको करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हमारा शरीर क्या भाई, एक प्रकार से रोग में, अरे भाई जो आदमी शराब पिएगा उसको क्या, उसका लीवर एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो आदमी बीड़ी पी रहा सिगरेट पी रहा क्या होता, कैंसर हो जाता, मुंह में कैंसर हो जाता है बीड़ी सिगरेट पीने से, मुंह का कैंसर हो रहा, शराब पीने से जो लीवर है किडनी है कोलैप्स कर जा रही है। ठीक है, जो लोग गुटखा खाते पान मसाला खाते इनके दांत सड़ जाते हैं और इनको इनमें भी कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, यही तो बता रहा कि अगर हम लोग धूम्रपान करेंगे तो उसका मनोव्यवहार के अध्ययन को बताता कि अगर आदमी धूम्रपान करता है, नशा करता है, बीड़ी सिगरेट कुकिन है, जितना भी ड्रग्स व्रग्स ले रहा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति पर, इसका अध्ययन कौन करता है, परासैद्धांतिक मॉडल। परासैद्धांतिक मॉडल क्या बताता है कि जब हम लोग धूम्रपान करेंगे, नशा करेंगे, व्यसन करेंगे या बीड़ी सिगरेट पियेंगे तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके हानियों को बताता है, और उसे लोगों को जागरूक करने का प्रयास कौन करता है, परासैद्धांतिक मॉडल। ठीक है, ये कुछ ऐसे मॉडल जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला है पारस्परिक स्वास्थ्य व्यवहार के सिद्धांत। देखो पारस्परिक स्वास्थ्य सामाजिक संज्ञाता मॉडल है, फिर अगला है सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक सहायता मॉडल है, तनाव नकल और स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल है। देखो सामाजिक ज्ञानात्मक मॉडल क्या है, इस सिद्धांत में कह सकते हो कि प्रस्तावित किया जाता है कि 1986 में सोशल कनेक्टिविटी थ्योरी को लेता और कहता है, देखो सामाजिक ज्ञानात्मक मॉडल ये बताता कि हमारा जो समाज है सोसाइटी हो, इसमें जब ज्ञान होगा विज्ञान होगा, इन लोगों के जो हमारे समाज में जब लोग बीमारी के बारे में जानेंगे और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, भाई लोगों को स्वस्थ रहना, सफाई करेंगे, स्वच्छता करेंगे, क्या यही मॉडल बताता कि सामाजिक ज्ञानात्मकता के सिद्धांत बताता कि समाज में बीमारियों को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता अगर रहेगी, स्वास्थ्य सामाजिक यानी सामाजिक सिद्धांत मॉडल जो है यही बता रहा है। ठीक है, कि लोगों में जागरूकता हो किसको लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बीमारियों को लेकर के। ठीक है, इस जागरूकता होनी चाहिए, इस मॉडल को बताता है। अगला है तनाव मुकाबला स्वास्थ्य मॉडल। देखो यह मॉडल तनाव और मुकाबला कौशल के स्वास्थ्य के व्यवहार को बताता है। तनाव को स्वास्थ्य पर नकारात्मक शारीरिक प्रभाव पड़ता है और व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से योगदान कर सकता है। देखो तनाव मुकाबला मॉडल ये बताता है कि अगर हम लोग तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो क्या होंगे, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को तनाव में नहीं रहना चाहिए। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, अगर किसी चीज़ के टेंशन लेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भाई। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव लेगा, डिप्रेशन में रहेगा, ठीक है, लोग कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे मान लो कई बार अगर मैं बताऊँ, कोई कई बार बच्चे तो जैसे फेल हो जाते हैं या उससे भी बच्चा कई बार तनाव में आ जाता है, इसका जब तनाव टेंशन लगे तो क्या होगा, हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव है ना। तो तनाव मुकाबला यानी हमारा जो तनाव उससे हमें मुकाबला करना है। तो तनाव मुकाबला और स्वास्थ्य व्यवहार मॉडल यही बताता है कि हम अगर टेंशन में रहेंगे, तनाव लेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पर जो हानिकारक प्रभाव है उस हानिकारक प्रभाव के बारे में हमें जागरूक करता है कि हमें टेंशन तनाव नहीं लेने चाहिए। अगर हम लोग तनाव लेंगे तो क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं और बीमारी बढ़ने की संभावना, बीमार ज़्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 7 क्या है, भारत सरकार और गैर सरकारी संगठन द्वारा, यानी हमारी जो सरकार है वो स्वास्थ्य को लेकर के क्या क्या प्रयास कर रही है। जो सरकार है, सरकार जो गवर्नमेंट है, लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम करती है। अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करूँ भाई, सरकार तमाम तरह की योजना चला रही है, लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, लोगों की समय समय पर जाँच करवा रही है, अस्पताल खुलवा रही है, क्या करवाती है, सरकार ही तो करवाती है। अभी देखो ना, जो हेल्थ कार्ड बन रहा है, बनता है ना, कौन करवा रहा, भारत सरकार ही उतने, और कई सारे गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ हैं वो भी स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं। क्या है, सारे जो एनजीओ होते हैं इनकी भी बड़ी भूमिका रहती है। अब हम कुछ ऐसे कार्यक्रमों की बात करें, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम इसको देखते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है और जो एनजीओ हैं वो किस प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के काम करे, गवर्नमेंट हो या जो प्राइवेट सेक्टर हो। देखो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन से हैं, देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम जो केंद्र सरकार चला रही, उसमें कह सकते हैं केंद्र सरकार जो मलेरिया, कुठित रोग आदि जैसे रोगों से निपटने के लिए कई सारी योजना चलाती है और योजनाओं का क्रियान्वयन करे। खास तौर से जो हमारी केंद्र सरकार है, मलेरिया है, हैजा है, टीबी है, कुष्ठ रोग है, इन रोगों से लड़ने के लिए सरकार क्या करती है, तमाम तरह की योजना चला रही है और लोग इससे
बीमार ना हो इसके लिए रोकथाम के लिए केंद्र सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है, ठीक है। अगला, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल क्या है। पहला क्या, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार जो है गाँव के स्तर पर अगर देखोगे तो वहाँ पर क्या करती है, अस्पताल खोल रही है। जैसे अगर देखोगे जैसे आंगनवाड़ी के जरिए सरकार गांव में लोगों को स्वास्थ्य की बात करिए, जैसे दाई है, दाई एक प्रकार की जो होती नर्स होती है उसके काम कर रही है। उसी प्रकार से बाल विकास योजना में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार काम कर रही है, कई सारे उपकेंद्र खोले जा रहे हैं, देखभाल की जा रही है। उसी प्रकार से हमारे गाँव में जैसे सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी जिसको हम आशा बोलते हैं, आशा बहु बोला जाता है, जिनके जरिए क्या जिसे गाँव से ही चुना जाता है, जो स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में क्या करती है जागरूकता फैलाती है, सरकार काम कर रही है। ग्राम स्वास्थ्य गाइड यानी गांव में एक सरकार एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करती है जो गांव के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करता है, उनकी जांच करता है, ठीक है। वह समुदाय जो सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे के बीच में कड़ी का काम करता है, यह वह गाँव के स्तर पर चुना जाता है। प्रत्येक 1000 आबादी पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो लोगों की स्वास्थ्य देखभाल को जांच करता है, गांव के स्तर पर होता है। अगला, प्रशिक्षित जन्म सहायता। देखो गांव में ही एक महिला का चयन किया जाता है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखभाल करती है, जो यानी होता नहीं कि जैसे जैसे किसी को बच्चा होने वाला है तो महिला लेकर के जाती नहीं, यानी गांव के स्तर पर इस प्रकार से लोगों को चुना जाता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी जो है इसके जरिए भी कह सकते हो कि जो सरकार है वह लोगों के स्वास्थ्य के बारे में देखभाल कर रही है। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत 1000 जनसंख्या वाले एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है जो लोगों के स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा आदि के बारे में देखती है। वह गर्भवती महिलाएं जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, स्तनपान, माताओं और किशोरों की क्या करती, जांच करती, जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के जरिए भी क्या जो हमारी सरकार है लोगों के स्वास्थ्य के बारे में क्या करती, जाँच करी, आंगनवाड़ी जो है। अगला है, उपकेंद्र जो बना रही, सेंटर जो बने, भारत सरकार सामान्य रूप से 5000 आबादी वाले गाँव में एक ऐसे अस्पताल का निर्माण करती है जिसमें लोगों की क्या होती है, जांच होती है। देखते हैं गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं जिसके जरिए जो गांव के लोग हैं उनकी जांच होती है। गांव में कैसे जैसे मलेरिया है, तपेदिक है आदि रोगों की देखभाल करने के लिए क्या होती है, वहां पर जाँच केंद्र बने। उसी प्रकार से जो माता, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य को जाँच करने के लिए गाँव में क्या किया जा रहा है, एक छोटा मोटा अस्पताल बनाया जा रही है सरकार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण और मैदानी इलाके में 3000 आबादी वाले इलाकों में क्या होता है, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में 2000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण को बढ़ावा देने के लिए वहां पर जैसे टीकाकरण होता है, तमाम रोगों की देखभाल करने या वहां पर डॉक्टर होते हैं और क्या होता पूरा सब डॉक्टरी सहायता होती है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खोले जा रहे हैं 2000 आबादी पर या 3000 आबादी पर, जो मैदानी इलाके वहां पर 3000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, और जहां पर पहाड़ी इलाका है जहां पर 2000 आबादी है वहां पर भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खोला जाता है जहां पर लोगों की जांच की जाती है, लोग आकर के अपने देख जांच करवा सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास, देखो गर्भवती महिलाओं को लेकर के जो सरकार है वो आंगनवाड़ी केंद्र खोलती है जहां पर गर्भवती महिलाओं की जाँच हो रही है, उनको तमाम तरह के जो पौष्टिक आहार मिल रहे हैं, जो दलिया है, खिचड़ी है, इस प्रकार की सरकार चीज़ों को देती भी है आंगनवाड़ी के जरिए। महिलाओं को जो जैसे देखोगे ना जैसे दवाइयाँ भी देती है सरकार, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती बांटती नहीं दवाई वाई, जिसके जरिए जो जो गर्भवती महिला है उनके लिए काम कर रही है। अगला है देखोगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक ब्लॉक में जो जैसे हमारा जो ब्लॉक होता ना ब्लॉक लेवल पर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाता है जिसमें सर्जरी, चिकित्सा, स्त्री रोग, बाल विकास इस प्रकार के डॉक्टर होते हैं। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है यहाँ पर 30 बेड होते हैं और इसमें एक्सरे और प्रयोगशाला सुविधा जैसी होती है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आमतौर पर 80,000 से 1,20,000 की आबादी को कवर करता है, यानी एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है 80,00,000 आबादी से लेकर के 1,20,000 आबादी तक बनता है। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों की सर्जरी भी होती है, चिकित्सक होती है, स्त्री रोग भी, यानी इस पर यहाँ पर लगभग 30 डॉक्टर होते हैं, यानी डॉक्टर तो होते हैं लेकिन 30 बेड के लिए बनाया जाता है जो क्या होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य बीमा, सरकार देखो ना सरकार क्या करती है लोगों का बीमा भी करती है, हेल्थ बीमा भी कर रही है ना, कि अगर मान लो देखते नहीं जो बीमा हो रही भारत सरकार करवाई बीमा में क्या रहा? कि जो होता नहीं भाई लोग जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, इनका भी सरकार क्या करती है स्वास्थ्य बीमा कर रही ना इसको बोले।
अन्य बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे अस्पताल में जैसे मेडिकल कॉलेज है जो रक्षा बलों की जांच करती है, इसी तरह से भारतीय रेलवे जो है अपने कर्मचारियों की जांच करती है। अलग प्रकार से कई सारी एजेंसियां, जैसे रेलवे है, रेलवे का भी अपना एक अस्पताल है। उसी प्रकार से जो हमारी सेना है, सेना का भी एक अपना अस्पताल है जहाँ पर सेना के लोगों का इलाज किया जाता है। जो रेलवे के लोग हैं उनको भी सरकार प्रदान करे। अब क्या है, निजी स्वास्थ्य देखभाल क्या है, भारत में देखोगे तो जैसे आयुष मंत्रालय है, लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करता है। देखो आयुष मंत्रालय जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी की जांच करता है। जैसे इसमें देखोगे, जैसे इसमें खास तौर से क्लिनिक है, आयुर्वेद है, अस्पताल है, होम्योपैथी है, मेडिकल कॉलेज है, निजी अस्पताल हैं, क्लिनिक हैं, आयुष मंत्रालय के नियंत्रण में काम करें। आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसको हम स्वास्थ्य मंत्रालय बोलते हैं। आयुष मंत्रालय क्या करता है भाई, जितने भी अगर देखोगे अस्पताल हैं, आयुर्वेद केंद्र हैं, होम्योपैथी है, मेडिकल कॉलेज हैं, निजी अस्पताल हैं, इन सभी की क्या करता है, जाँच करता है को आयुष मंत्रालय। ये भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहा है। स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसियाँ, स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी कह सकते हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर है ये भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर क्या करा, काम करा। जो प्राइवेट सेक्टर है जैसे कौशल विकास को लेकर के, या लोगों के, या जैसे कई प्रकार के जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं वो लोगों के स्वैच्छिक एजेंसी है जो स्वास्थ्य को लेकर के देखभाल करें लोगों को लेकर के। अगला जैसे आप देखोगे भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है भाई, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम बना है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोगों की उसके लेकर स्वस्थ रहें लोग। देखो हमारी जो केंद्र सरकार है लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कई उपाय कर रही है। इन प्रमुख उपायों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसको आप WHO यूनिसेफ के जरिए इसको मान्यता मिल चुकी है। स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया था, जब हमारा देश आजाद हुआ तब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लागू हुआ। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित है, देखो एक बीमारी को लक्षित किया जाता है। देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अगर आप देखोगे एक बीमारी को टारगेट बना करके उस बीमारी को खत्म करने की बात की जाती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम को विशेष रूप से मलेरिया पर ध्यान केंद्रित, देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में क्या हर साल एक बीमारी को टारगेट किया जाता है और उस बीमारी को खत्म किया जाता है और जड़ से खत्म करने की बात होती है। क्षैतिज क्षेत्र अर्थात प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम अलग अलग कार्य फंड सरकार आवंटित करती है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है जिसके तहत सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या होता है कि कोई भी रोग हो उसकी निगरानी की जाती है, उसकी जांच की जाती है तथा उस रोग से बचाव कैसे किया इसकी भी सरकार काम करती है। वह निवारक और उपचारक दोनों पहलुओं में बात करते हैं। निवारक यानी उसकी कोई भी बीमारी है उसका निवारण क्या है तथा उसका बचने का उपाय क्या है इसका भी काम करते हैं। कार्यक्रम में सरकार यानी सरकार जो कह सकती है हमारी जो गवर्नमेंट है वह लोगों से लोगों का स्वास्थ्य रहने की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उसकी हम बात करें यहाँ पर लोग ना। अगले देखो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण है जो बना है। देखो ये क्या है, राज्य हमारी जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर जैसे मलेरिया है, काला ज्वार है, जापानी बुखार है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इसकी रोकथाम के लिए जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो तमाम तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। होता नहीं जैसे चिकनगुनिया है, जापानी इन्फ्लुएंसा जिसको जापानी बुखार बोलते हैं, चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है, काला बुखार जो होता है, इन सभी के लिए अब कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एकीकृत हो गए हैं। नहीं अब देखो ये सभी बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ इन सभी बीमारियों सरकार काम कर रही है। खासतौर जैसे इसमें इलाज होता, देखो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया कि मलेरिया को रोकथाम के लिए बना था 1958 में, मलेरिया को ख़त्म किया जाए, मलेरिया उन्मूलन किया जाए। उसी प्रकार से राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम 1955 में बना है जिसमें भारत में 1978 तक कह सकते हैं कि शहरी मलेरिया योजना को यानी शहरों में जो मलेरिया फैलता है इसको रोकथाम करने के लिए सरकारी योजना। अगला है काला जार एक प्रकार का बुखार होता है जो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में खूब फैलता है, इसको भी ठीक करने की सरकार ने योजना चलाई। उसी प्रकार से जो जापानी बुखार है जिसमें जो खूब फैलता है, और ये खासकर जापानी बुखार जो है छोटे बच्चों को होता है, 1 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों को जो बुखार होता है इसके लिए सरकार टीकाकरण लेकर के आई है। डेंगू सरकार जो हमारी जो सरकार है कह सकते हैं कि 1996 में सभी राज्यों में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, इस डेंगू से बचने के लिए सरकार जो है तमाम तरह के प्रयास करी खासतौर से डेंगू के लिए। उसी प्रकार से जो चिकनगुनिया है यह एक गैर घातक बीमारी है जो 3 दशकों से हमारे देश में चल रही है,
इस जो चिकनगुनिया इसको ठीक करने के सरकार की तरफ से कई सारी रणनीति अपनाई जा रही है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन, कुष्ठ रोग यानी जिसको हम बोलते सफ़ेद दाग हो जाता है, तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग को ख़त्म करने के हमारी जो सरकार 1955 में कार्यक्रम शुरू किया गया था, 1980 में केंद्र सरकार ने 2000 तक कुष्ठ रोगियों का उन्मूलन किया है। 1993 में विश्व बैंक द्वारा सरकार को मदद मिली और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो सफ़ेद दाग है जो लोगों को हो जाता है उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम है। जो सफ़ेद दाग नहीं हो जाता, काला सफ़ेद धब्बा पड़ जाता है, इसको ठीक करने सरकार क्या कर रही है, तमाम तरह के प्रयास कर रही है। अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, यानी जो एड्स है HIV जो एड्स होता है इसको ठीक कंट्रोल करने की भी सरकार कर गए तमाम तरह के प्रयास करिए। एड्स जो हो जाता ना HIV एड्स जो है सरकार इसमें भी काम करिए। उसी प्रकार से सरकार जो है जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनके लिए क्या करती है, टीकाकरण करवाती है। अभी देखो आप सबने कोरोना फैला था ना, तो सरकार ने क्या किया भाई, सबके टीके लगे, फ्री में लगा है भारत सरकार ने, क्या किया टीकाकरण किया ना भाई, सबको टीके लगवा दिए ताकि स्वास्थ्य को लेकर के टीके के लिए क्या किया गया, सरकार ने काम किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के समर्थन से भारत सरकार है 1974 में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। और टीके किस किस बीमारी के, जैसे टिटनेस है, काली खांसी है, पोलियो है, तपेदिक है, खसरा है, इन सभी बीमारियों के लिए क्या है टीके लगते हैं। उसी प्रकार से जापानी बुखार है, चिकन पॉक्स है, इसके भी सरकार टीके लगाती है ताकि इन सभी बीमारियों से बचा जा सके, टीकाकरण सरकार करे। उसी प्रकार से जो कैंसर होता है, कैंसर को लेकर के, मधुमेह लेकर के, और जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं इस बीमारियों से बचने के भी कह सकती है कि सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। खासतौर से जो कैंसर है, मधुमेह जो हो रहा है लोगों में जो बढ़ रहा है इसको लेकर के, और हृदय रोग आज के टाइम में तो सबसे बड़ी बीमारी है, हार्ट अटैक खूब आ रहे हैं, इसको लेकर भी सरकार तमाम तरह के क्या करिए प्रयास करिए ताकि लोगों में जो हार्ट अटैक ना हो। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य, यानी लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें इसके लिए भी सरकार के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है। उसी प्रकार से जो प्रजनन है, जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं इनके स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है हमारी जो सरकार है, गाँव में एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चल रही है ताकि गाँव के लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। और एक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, वहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल को लेकर के सरकार की योजना जिसको क्या राष्ट्रीय क्या बोला जाता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ, अगर कहूँ तो हमारे देश में कई सारे NGO हैं जो गैर सरकारी संगठन हैं, ये भी लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। कई सारे जो NGO होते हैं इनका भी एक क्या है बड़ी भूमिका हमें देखने को मिल रही है, खासतौर से गैर सरकारी संगठन जो NGO हैं या भी तमाम तरह की बीमारियों पर रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं तमाम तरह के प्रयास। भाई सरकार के पास पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा करे, लेकिन जो NGO हैं ये भी एक प्रकार से क्या कर रहे हैं अपनी मदद पहुंचा रहे हैं लोगों तक स्वास्थ्य को लेकर, जो सारे तमाम तरह NGO हैं। ठीक है, NGO की अगर बात करूँ, खासतौर से जो NGO हैं जैसे महिलाओं को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, जो ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, जो लोग एड्स और शराब लोगों को छुड़वा रहे हैं, NGO बता दे नहीं भाई शराब का सेवन मत करो, लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों को बढ़ावा दे रहे हैं। देखो खास तौर पे लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इन्होंने संस्थान बनाए। देखो जो प्राइवेट सेक्टर है या भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के कई प्रकार के उन्होंने अस्पताल बना रखे ना ताकि लोगों का इलाज अच्छे से हो। भारत में गैर सरकारी कई सारे संगठन हैं जो लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के लगातार बढ़ावा दे रहे हैं या लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बने, जो सारे NGO हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम कर रहा है इसमें, खास तौर से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, जैसे चिकित्सा शिक्षा है, अस्पताल की सेवाएं हैं, पुनर्वास क्लिनिक है, या कह सकते हैं कि प्रयोगशाला एक्सरे सहायता खोल रखी है, चिकित्सा अनुसंधान है, निवारक देखभाल है। इस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर है या कह सकते जो NGO हैं वो भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरीके कर रहे हैं, योजनाएँ चल रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, जो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसमें से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 में आप क्या करना, या छेद्रिक क्या होते हैं इसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, या छेद्रिक जो होता है इसको ज़रूर पढ़ लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रतिदर्शन और या छेद्रिक पढ़ लेना, और गैर या छेद्रिक क्या होता है, चैप्टर नंबर 8 में ना या छेद्रिक पढ़ के जाना है जो मैंने बताया, दूसरा गैर या छेद्रिक इसको करके जाना है, यही इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसमें जो आपकी देव प्रतिदर्शन है इसको देख लेना, चैप्टर नंबर 8 में यही कर लेना। ठीक है,
अगला देखिएगा चैप्टर नंबर 9 क्या, डाटा विश्लेषण। डाटा विश्लेषण का मतलब होता है कि जब हम किसी बीमारी को लेकर के पूरा डाटा बनाते हैं, पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है कि वो बीमारी किस में फैल रही, गाँव में ज़्यादा फैल रही, शहर में ज़्यादा फैल रही, बच्चों में फैल रही, बूढ़े में फैल रही, महिलाओं में ज़्यादा फैल रही है, यानी उसका क्या, जब किसी बीमारी को लेकर के उसका पूरा जब डाटा तैयार कर लिया जाए, नहीं उसको पूरा जब रिसर्च हो जाती है, उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं कि कौन सी बीमारी कैसे फैल रही है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसको बोलते हैं डाटा विश्लेषण। डाटा विश्लेषण खास तौर से जैसे हम किसी बीमारी को ग्राफ बना करके या इस आधार पर बीमारी को कवर किया जाता, खास तौर से इसमें जैसे एक्सेल शीट क्या होती है, एक्सेल शीट का मतलब कि जब किसी कोई बीमारी को लेकर के ना हम पूरा डाटा लिख रहे हैं, भाई कोई बीमारी कौन कौन सी बीमारी फैली, उनकी जिन लोगों को बीमारी हुई उनका नाम क्या था, उनकी उम्र क्या थी, वो रहते कहाँ थे, कौन महिला कौन पुरुष है, यानी उनका लिंग क्या है, उनमें क्या क्या लक्षण थे, इस प्रकार से हम क्या करते हैं पूरी चार्ट बनाते हैं, पूरे टेबल बनाते हैं, और पूरा चार्ट और टेबल बनाने के बाद एक्सेल शीट पर क्या करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं कि कौन सी बीमारी किन लोगों में ज़्यादा फैली, किन लोगों में कम फैली। जो होता नहीं बताते नहीं, कई बार ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा फैल रही, कैसे पता चलता है, उसका जब पूरा रिसर्च किया जाता तब पता चलता कि भाई अगर कोई बीमारी सिर्फ 12 से लेकर के 15 साल के लोगों में फैल रही है, या कोई बीमारी ऐसी हो सकती है कि भाई वो 40 के ऊपर लोगों में ज़्यादा फैल रही है, यानी इस आधार पे क्या करते हैं हम विश्लेषण करते हैं कि कौन सी बीमारी किस वर्ग में, किस आयु वर्ग में ज़्यादा फैल रही है, इसको बोलते हैं एक्सेल शीट पर जब विश्लेषण ग्राफ बना करके जब हम उसको चिनते हैं। कई बार बताते हैं कि ये बीमारी ना इस समय यानी इस मौसम में ज़्यादा होती है, या इन लोगों में ज़्यादा होती है, गाँव के लोगों में बीमारी ज़्यादा फैल रही है, या शहरों में ज़्यादा फैल रही है, इस आधार पर जब किसी बीमारी का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, ग्राफ बना करके एक्सेल शीट बना करके, ठीक है। क्या चैप्टर नंबर 10 का है, उन्नत जनसंख्यिकी। उन्नत जनसंख्यिकी ये बताती है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसको कैसे हम सही करें ताकि उन लोगों में जो रोग है, जो बीमारी है, कम से कम हो, नहीं जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, बीमारी से मुक्त कैसे रखा जाए, ठीक है, इस बात की यहाँ पर बात की जाती है। खास तौर से किसी देश की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वस्थ कैसे रखें, उसमें जागरूकता बढ़ा करके, शिक्षा का संचार करके, टीके लगवा करके, रोकथाम करके, यानी जो पूरी किसी देश की जो पॉपुलेशन, नहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कैसे रखें, यही उन्नत जनसंख्या की बताती है। नहीं हमारी जो लोग हैं, अगर बताओ अगर किसी देश में लोग खूब ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक होंगे, बीमारी के बारे में उनको जागरूकता, तो उस देश में जो लोग होंगे कम से कम बीमार होंगे, और जहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, वहाँ पर क्यों, वहाँ पर दुनिया भर की बीमारी फैलेगी, वहाँ पर लोग मरेंगे भी ज़्यादा और परेशानी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो यही कह सकते हैं उन्नत जनसंख्या की ये बताती है कि अगर हमारी जनसंख्या जो है, जो पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी है, साक्षर है, हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के उनमें जागरूकता है, तो क्या होगी, वहाँ उन्नत जनसंख्या होगी और ज़्यादातर क्या होगी, अच्छा होगा, स्वस्थ भी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। जब हमारी जनसंख्या उन्नत है, पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, ठीक है, अपने अधिकारों को जानती है, हर बीमारी के बारे में रोकथाम को जानती है, हर बीमारी को लेकर के उसमें जागरूकता है, यही क्या उन्नत जनसंख्या की बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वह पढ़ी लिखी है, या हर रोग के बारे में उसके पास जानकारी है, या हर रोग के बारे में बचाव करती है, रोकथाम करती है, टीके लगवाती है, इस प्रकार की अगर किसी देश में उन्नत जनसंख्या रहेगी तो क्या होगा, हर बीमारी से लड़ने में क्या होगी, मदद मिलेगी, और किसी देश में जो स्वास्थ्य है उसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी जो बुक थी, अगर आप देखेंगे BANS 184, इसमें से अगर बात करें, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक, यानी 1 से लेकर के 10 तक जितना था मैंने आपको सारा बताने का प्रयास किया है, और इसमें सारे जितने चैप्टर थे, जो जो इम्पोर्टेंट था, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता था, मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है।